मंगलाय नमः हरये ओम मां पुराण पुरुषोत्तमानमा याय ध्यान सर्वयाहि वसुं वसुमाल्यां सर्वयामि दार्तिक्यं ओम चंद्रमा वनसौरजात सिद्धो सूर्यो जायत श्रोत्राद वायुस्य प्राणस्य मुखादग्ने रजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंखी पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख हरणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग भक्त खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान भरनावदा संसार सारो भजेंद्र हर, सदा सदम हृदयावेंद्र हर। भवानी सदम नमामी भवन, भवानी सदम नमामी भवन, भवानी इसी श्रेणी में यहाँ चलती है बड़ी सुंदर पावन रसोई, गौरी गोपाल रसोई। इतनी सुंदर और इतनी विशाल रसोई जिसमें प्रसाद ही पाने पर वास्तव में तृप्ति मिलती है, सुखद अनुभव प्राप्त होता है और दिल से आशीर्वाद और दुआएं निकलती हैं। जब सोचिए, जब हम प्रसाद ही पाते हैं, हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं, तो ये जाति कहाँ है? ये जाति है उन लोगों के जीवन में, उन लोगों के हिस्से में जो अन्नदान के हाथ आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन सभी दानवीर महापुरुषों के लिए, वो इतनी सुंदर विशाल रसोई की सेवा अपने हाथों से करते हैं। तो आइए, क्यों ना मैं चाहूं कि आप एक दिन की सेवा आप भी करें और ये सारा पुण्य आप भी अपने खाते में आप ऐड करें। आइए, मात्र 31,000 रुपए के छोटे से योगदान से एक दिन की संपूर्ण रसोई की सेवा आप भी अपने हाथों से करेंगे। हजारों लोगों को आप भी प्रसादी पवाएंगे और पुण्य की प्राप्ति करेंगे। आइए, इसी के साथ में अन्यत्र और भी सेवाएं, संत निवास कार्य के लिए, गौमाताओं की पावन सेवा के लिए, गोचरण भूमि गोदान की पावन सेवा के लिए अपने योगदान के हाथ तक बढ़ाते हैं, अथवा दवाइयों की पावन सेवा, बंदर सेवा, निर्माण कार्य के साथ में गुरुकुल की पावन सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। सेवा बड़ी सुंदर विस्तृत रूप से यहाँ चल रही है, आप जिस सेवा में चाहें उस सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आइए, इन सेवाओं के लिए आप ऐसे किन्हीं दानवीर महापुरुषों ने न केवल अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए बल्कि अपने आप को तो जोड़ा है, पूरे परिवार को पुण्यों से जोड़ लिया है। नाम सुनेंगे ऐसे सभी दानवीर महापुरुषों के। आइए, आज की श्रेणी में जो अभी आरती में सम्मिलित हुए गणमान्य नेतागण, श्री अमरेंद्र कुमार झा जी, श्री अमरनाथ मिश्रा जी, प्रदीप पांडे जी, यूनियन बैंक वृंदावन से, आज संस्था ने आपका सम्मान किया क्योंकि आपने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। आपने इस आश्रम के लिए एक एम्बुलेंस की सेवा दी। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं पूरे समिति के लिए, पूरे इन परिवारिक जनों के लिए जिन्होंने इतना सुंदर कार्य किया है, एक एम्बुलेंस की सेवा दी है। और इसी श्रेणी में एक और बड़ी सुंदर बात आज आपके मध्य में रखना चाहूंगा। आदरणीय सोनाली जी गर्ग, आपने, आप ऑस्ट्रेलिया में भले रहती हैं लेकिन आपका जमीन, आपका हृदय, आपकी धड़कन सांस से वृंदावन से चलती है और आपने भारत में संगरूर पंजाब के रहने वाले हैं आप। इन्होंने अपनी पहली सैलरी गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए दी है 1,00,000 रुपए के रूप में। एक बार जोरदार तालियों की गर्जना वहां तक पहुंचे हैं सोनाली गर्ग जी के लिए, उनके सुंदर से कार्य के लिए
जिन्होंने अपनी पहली सैलरी 1,01,000 रुपए के रूप में ऑस्ट्रेलिया में कार्य करते हुए वृंदावन के लिए गौरी गोपाल आश्रम के लिए भेजी है, इतने सुंदर सुंदर कार्यों के लिए भेजी है, आपके लिए पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी श्रेणी में यहाँ थोड़ी सी प्रेरणा हम और आप मिलेंगे, इतनी दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं, इन पावन सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना आप भी अपने आप को जोड़ें, इनसे थोड़ी सी प्रेरणा लें। इन्होंने जितना अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार दिया है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें और आप भी थोड़ा थोड़ा ही सही योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए पुण्य की प्राप्ति करें। आदरणीय शिव प्रसाद जी लोहार आप कटनी से 31,000 रुपए, रसो की पावन से बगली दबे किरण जी मल्होत्रा भीलवाड़ा से आप 32,000 रुपए, श्री वजना जी प्रसाद पटवा सुमित्रा देवी 30,000 रुपए, पूर्वी देवासी देवंगन आप दुर्ग से 31,000 रुपए, दसला जी अग्रणी जबलपुर से आप एक माह का सहारा बनते हुए 21,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में जयंतीलाल जी पी बड़ेल बड़ोदरा से आप 25,000 रुपए दे रहे हैं, मांगी सौदले सीतौली खरगोन से आप 21,000 रुपए, रीना जी महावीर पांडा आप उड़ीसा से 21,000 रुपए, केसर देवी उत्तम नगर दिल्ली से 21,000 रुपए, अभय कुमार सिंह दिल्ली से आप 25,000 रुपए, बिमला देवी रामकिशन अग्रवाल आप 25,000 रुपए, अनुप राम जी निवास मदना महाराष्ट्र से आप 11,000 रुपए, अर्चना झा आप झांसी से 11,000 रुपए, कमले जी फरदाबाद से आप प्रदान करें 11,000 रुपए, अन्य क्षेत्र की पावन सिंह बगली गोपाल कृष्ण जी शर्मा आप हनुमानगढ़ राजस्थान से 11,000 रुपए, राजेंद्र प्रसाद जी सागला बनवारी लाल जी आप 11,000 रुपए, सागला परिवार के माध्यम से सीकर राजस्थान से घनश्याम सिंह सेना आप कांकेर चंडीगढ़ से 51,000 रुपए, विक्रमजीत सिंह आप अत्तरी गुरदासपुर से 51,000 रुपए, नर्मदा प्रसाद जी स्वर्गीय के नाम से सोमवती सोनी जी जबलपुर से 51,000 रुपए, रेलाल जैन मुंबई से 5,100 रुपए आप दे रहे हैं। इसी श्रेणी में अंकुर जी माली भोपाल से 21,000 रुपए, अवधेश कुमार जी बिहार से, युवराज जी सोनकर रायपुर से आप 32,000 रुपए, सुनील जी महतो मुजफ्फरपुर बिहार से, प्रिंस सोनी कोट क्षेत्र से, सुभाष चंद्र जी आंध्र प्रदेश से, अभिषेक जगरवाल पूना से 2,100 रुपए, रेखा देवी आप बिहार से, विजय सर कुशम साह जी भोपाल से, राजकुमार सोनवाड़ी नागपुर से 21,000 रुपए, अर्जुन सिंह जी सुगंधा देवी नकुल मिश्रा पटना बिहार से, वैशाली गुप्ता चंदौली से, रूपेंद्र कुमार साहू जी आप दुर्ग से, कल्पना शर्मा देवा से, अमित जी आप उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए, राधाबाई मुगेली से, कांवरिया जी बादबाई के नाम से दिल्ली से 21,000 रुपए, श्रावती देवी मुजफ्फरपुर बिहार से, विजय सर विवेक सिंह जी आप शिवाजी के नाम से गुड़गांव से, सुखी देवी डुंगाराम जी पाली राजस्थान से विजय से, गोकुला जी पिताजी की वर्षी उपलक्ष्य में अजमेर से विजय से, अवधेश कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सिंह जी दिल्ली से, कामनी प्रजापति आप इटावा से, श्रीमती माया देवी रावत अल्मोड़ा उत्तराखंड से, कामनी प्रजापति इटावा से, मनोज कुमार बोकारो से 3,000 रुपए, अंकित ऋषि जी आप नोएडा से, सावित्री देवी बालाघाट से या जयपुर या वैशाली नगर से 3,100 रुपए, राजकुमारी कुशवाहा गाजीपुर से, रेखा जी मिश्रा गोवा से, धनिकलाल जी सोवा मधुबनी बिहार से, अजय जी सेगल आप दिल्ली से विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही भास्कर संजय चुलापुर से, मधुबाला दुबी नवादा बिहार से आप 21,000 रुपए, कमलेश्वर साजी शाह आप सुपौल बिहार से, अंकित राज उत्तर प्रदेश से, प्रमोद सिंह जी भदौरिया 1,700 रुपए, शशि भामली आप उत्तर प्रदेश से 2,100 रुपए, रजनी सत्य शर्मा थाने से विजय सहयोग रूप में आप 11,100 रुपए, संतोष जी गुप्ता रजिया बिहार से 3,100 रुपए, किरण जी देहरादून से, सहदेव जी छतरपुर से 2,109 रुपए, जसवंत देवी 2,100 रुपए, मीरा जी पांडे पश्चिम बंगाल से, संगीता सरकार जी विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रही है। इसी श्रेणी में मनीषा सुनीता जी, मनोज गोयल जी आप हापुड़ से, संपूर्ण रसोई सेवा के लिए 31,000 रुपए आप दे रहे हैं, रामचंद्र जी गंगापुर छोटी राजस्थान से 21,000 रुपए, मंजू मंडल आप मुंबई से प्रदान कर रहे हैं आप अन्य क्षेत्र की बावन सेवा के लिए 3,051 रुपए, मानसिंगा देवी सीता देवी आप दरभंगा बिहार से विजय से, गौरी देवी आप बिहार से विजय से, परविंद कुमारी हरिद्वार से विजय से, अमराधी देवी आप कपूराया से विजय से, लकीसरा सरकार लखनऊ से, लक्ष्मी जी आप लखनऊ से, नसीब सिंह जी जम्मू से, सुरजीत सिंह जी आप आरा बिहार से, मोहन जी साहू विजय से के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी आप लखनऊ से विजय से, कमलेश बंसल रेणा से 5,100, सीता बराजी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से, देवव्रती देवी प्रजापति विनोद नगर से दिल्ली से 5,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं। भागवती सेठ आप छतरपुर से विजय से, ब्रजकिशोर यादव जी सिवान बिहार से, सुमित कुमार शर्मा जमुनानगर से, प्रेम कुमारी राजपाल आगरा से 11,000 रुपए, बाला देवी मुखिया अलीगढ़ से आप 2,000 रुपए, शिव कुमार छत्तीसगढ़ से विशेष है, संत कुमार जी कुशवाहा बिहार से विजय से, अमृता देवी संजय कुमारी दिल्ली से आप 21,000 रुपए, उत्सव जी कंवर जयपुर से आप 3,600 रुपए, अनुरोध जी उत्तराखंड से विजय से, देवकी प्रजापति राजस्थान से 2,100 रुपए, इंद्रावती राजेश सपरिवार राजस्थान से 3,100 रुपए, निर्मला जी नंद कुमार जी नवोदिया आप महाराज से 11,000 रुपए, नवल किशोर दीक्षित आप मथुरा से 2,500 रुपए, संदीप देवी गोपालपुर से विजय से, इंद्रजीत पांडे बस्ती से 2,501 रुपए का योगदान दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से गुप्तदान के रूप में 11,000 रुपए आप दान करें, शुक्ला जी घोषा आसाम से विजय से, और बाकी प्रसाद जी मुरादाबाद से 3,100 रुपए दे रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अशोक जी एवं उनके पूरे परिवार के माध्यम से असम से विजय से, परशुराम जी असम से 5,000 रुपए, तारा देवी राजगढ़ से विजय से, चंचल साजी समझ परिवार नेपाल से 11,000 रुपए, कानाजी सिकरवा छत्तीसगढ़ से 11,000 रुपए, सुरेश कुमारी मित्तल दिल्ली से आप 5,100 रुपए, जोसना सैनी बड़ौदा गुजरात से 5,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं, सुरेंद्र बिहार से विजय से, धर्मचंद जी जम्मू से विजय से, गणेश कुमार जी कौर उड़ीसा से 5,000 रुपए, शशि साहू जी बिहार से 5,000 रुपए, इंदु तिवारी आप प्रदान करें 5,100 रुपए, राधारानी बरसाना से उनके नाम से 15,051 रुपए का योगदान दिया गया है, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शांति देवी विजय से आप तक बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
केला जी श्रीवास्तव आप बरेली से विशेष सेवक के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10,000 रूपए स्वर्ण जी रसीपाल जी जम्मू से प्रदान करें, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम गुप्ता नीलम गुप्ता लखनऊ से आप 2100 रूपए, मिश्रू माया जी सिलगुड़ी से आप विशेष सेवक, कालीचंद जी हमीरपुर से विशेष सेवक रूप में 5,000 रूपए, कृष्णा जी माता से विशेष सेवक, सुमित कुमारी पाटिल का बिहार से, रेवंत देवी आप देवरिया से, अमर माई जी आप महाराष्ट्र से विशेष सेवक, रेखा रानी नोएडा से 11,001 रूपए, रुकमणी बिलासपुर से विशेष सेवक, ओम प्रकाश जी एटा से विशेष, श्याम सुंदर कन्नौज से विशेष सेवक, पुष्पाजी दिल्ली से विशेष सेवक, जय प्रकाश जी खैर से 2,001 रूपए का योगदान दे रहे हैं। इसी श्रेणी में रूपा देवी गौरी देवी आप रायगढ़ से 5,000 रूपए, पार्वती देवी आप किंजी भाई आप लड़ानी गुजरात से 2,000, आप 25,000 रूपए प्रदान करें। शशि प्रेमदास जी गुजरात से विशेष, दीपक तिवारी उन्नाव से, सुशीला पुनियारी नागपुर से 11,001 रूपए, कार्तिकेश्वर गुप्ता छत्तीसगढ़ से विशेष 2,000 रूपए, हरवंश कौर जी पंजाब से, मोहनलाल जी लखीमपुर से 12,100, श्रीनिवास जी हैदराबाद से, ग्यारसी लाल जी परसराम जी गुप्ता छत्तीसगढ़ से विशेष, सीधा सोनिया फिरोजपुर से, अभी किशोर रवि कुमारी पंजाब से 2,000 रूपए, गुप्ता चेन्नई से 21,000 रूपए, श्यामला जी कमलेश्वर जी छत्तीसगढ़ से 5,100, फिर राजा नड्डा जी वेस्ट बंगाल से 2,001 रूपए, गिरवर जी कुशवा आप 21,000 रूपए दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुमार जी रेबाड़ से, मनोज कुमारी रेबाड़ से, नथो देवी बरेली से, किरण देवी शुक्लागंज से 10,000 रूपए, मयूर जी भागलपुर बिहार से, सचिन राठौर जी कन्नौज से, कांता देवी अम्बाला से 5,000 रूपए, शिव विद्याबाई जी आप लखनऊगढ़ से विजय से, सूरज जी कौर द्रौपदी हवासिंह जी जजरिया जसिया रोहतक से विजय से, सर्वे टाटा जी आप राजस्थान से, खुशीराम पांडे जी मुंबई से 3,100 रूपए, जगदीप प्रसाद जी सीतापुर से, कृष्णराज जाधव जबलपुर से, कुति देवी हिमाचल से, बलालमणि देवी आप 14 से, बनारस से विजय से, विजय खरवाल 24 बनारस से विजय से हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में मंजू देवी आप बिहार से आप 21,000 रूपए का योगदान देते हुए एक माँ का आजीवन सहारा बने, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवी महापुरुषों के जिन्होंने अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए, पावन सेवाओं से जोड़ा, ऐसे सभी दानवी महापुरुषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मैं चाहूंगा कि आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए, पावन सेवाओं से जोड़े और पुण्य लाभ अर्जित करें। जितने भी प्यारे दानवी महापुरुष लोग यहाँ बैठे हैं अथवा संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे पावन सेवाओं के आप दर्शन कर रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, अब आइए चलेंगे पावन कथा की ओर। उससे पहले जो लोग यहाँ बैठे उनके लिए काउंटर यही लगा है, आश्रम में जाकर के अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए आप अपने आप को दे सकते हैं, और जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर QR कोड दिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। अब आइए चलेंगे आज के मधुर मंगल बेला की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे श्याम। हरि ओ श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। पिता मेरे घनश्याम, इन दानों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। सवरिया
ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। परली पार मतलब भवसागर से पार। कहाँ ले चल? जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सहरा ले चल परली पार। उठाइए प्रेम से और किस किस को पार होना है भवसागर से। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन
सवरिया ले चल पली पार, सवरिया
परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहने श्रोतागण भक्तगण संस्कार टीवी साधना टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्री मन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को जय श्री मन्नारायण जय श्री कृष्णा सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? कृपा है भगवान की कृपा है हम सब पर आप सब पर कि देखिए चैत्र का पावन माह है, रामनवमी का पावन पर्व आने वाला है, माँ भगवती के पावन नौ दिन आने वाले हैं, नया वर्ष आने वाला है, नया संवत्सर आने वाला है, नई फसल आने वाली है, वृक्षों में नए पत्ते आने वाले हैं, नया वर्ष आने वाला है और हम सबके जीवन में नई उमंग आने वाली है, नया ज्ञान आने वाला है, नई ऊर्जा आने वाली है, नया मौसम आने वाला है। आप सभी इस नए मौसम में नई ऊर्जा के साथ नए संवत्सर में अब हम आप प्रवेश करेंगे तो हम सब देखो भगवान की कथा के साथ हम हर चीज जो मनाते हैं, हम जो हर खुशी मनाते हैं, हर खुशी हमारी भगवान से जुड़ी होती है। बिना भगवान के हम कोई त्योहार भी नहीं मनाते। हमारे यहाँ तो प्रत्येक पर्व भगवान का उत्सव लेकर आता है। होली आई तो भगवान के संग पहली होली होगी, फिर बाद में सबके संग। तो होली आई तो भगवान को रंग लगाया गया, अब कल रंग पंचमी आ रही है। भगवान के संग होली ना खेले हो तो कल रंग पंचमी में भगवान के साथ होली खेलिएगा। भगवान के संग कल रंग पंचमी के बाद फिर होली अगले वर्ष आएगी। हमारे यहां दीप जलाए जाते हैं दीपावली में तो भगवान श्रीमन्नारायण माता लक्ष्मी गणेश जी का स्मरण करके दीपोत्सव होता है। दशहरा होता है तो राम रावण को मारते हैं। हमारे यहां एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिस त्योहार में ईश्वर की स्मृति ना हो, याद ना हो। इसलिए हम तो भारत के लोग उत्सव प्रधान देश के लोग हैं। हमारे यहाँ तो हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता है, हर महीने कोई ना कोई उत्सव होता है। इसी उत्सव में आप सब जुड़े हैं भागवत की सेवा से, भागवत सुन रहे हैं और इसी भागवत की सेवा में जुड़ने के लिए हमारे भैया श्री अमरेंद्र कुमार झा जी, श्री अमरनाथ मिश्र जी, श्री प्रदीप पांडे जी,
यूनियन बैंक वृंदावन की ओर से आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में यूनियन बैंक की ओर से वृद्ध माताओं के लिए एक एम्बुलेंस भेंट की जा रही है। एक बार सुंदर तालियां आप पूरे परिवार के लिए। यहां हम चाहेंगे कि आप यहां आए हमारे भैया श्री अमरेंद्र कुमार झा जी। आप यूनियन बैंक के एक उच्च अधिकारी हैं, उच्च पद पर हैं और गौरी गोपाल परिवार से जुड़े। जब इन्होंने यहाँ माताओं की सेवा देखी तो इनके मन में विचार आया कि मैं क्या कर सकता हूँ इन माओं के लिए, मैं किस प्रकार सहयोगी बन सकता हूँ इन माओं के लिए। तो इन्होंने बहुत विचार किया, फिर इनके मन में भाव आया कि क्यों ना, ये 275 माएं हैं, कोई ना कोई माँ रोज बीमार पड़ती है, यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था इन्होंने कराई अपनी ओर से। भगवान सदा आपको सुखी रखें और जितना आप देते हैं भगवान उसका कई गुना करके आपको वापस लौटाते हैं। इन्होंने बोला कि बहुत जल्दी हम गौरी गोपाल आश्रम में एक पानी के लिए व्यवस्था कराएंगे और बहुत जल्दी ये पानी की सुविधा के लिए, पानी की सेवा भी ये करेंगे। जहां चूंकि वृंदावन में पानी खारा है तो उस खारे पानी को फिल्टर करके मीठा करना पड़ता है, तो जो फिल्टर करने का प्रोसेस है वो आपकी ओर से ये पूरा सेटअप लगवा करके देने का इनका भाव है, इन्होंने खुद बोला है। तो भगवान इनकी ये सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ये भाग्यशाली हैं कि भगवान इनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और यूनियन बैंक के पूरे स्टाफ के लिए यूनियन बैंक का बहुत बहुत धन्यवाद गौरी गोपाल परिवार की ओर से कि आपने इन माओं के लिए इतना बड़ा सहयोग किया और ये एम्बुलेंस आज आपने गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को समर्पित की। सुंदर तालियां एक बार भैया श्री अमरेंद्र कुमार झा जी के लिए। साथी आज हमारी एक बहन ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और ऑस्ट्रेलिया में रह करके वो वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम से सेवाओं से यहाँ की सेवाओं से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो काम किया तो उस काम की जो पहली सैलरी आई तो वो ऑस्ट्रेलिया से वो अपनी सैलरी लेकर वृंदावन आई कि गौरी गोपाल आश्रम में माताओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए मैं पहली सेवा भेंट करूंगी। और अपनी कमाई की पहली जो तनख्वाह पहली मिली वो 101,000 रुपए लेकर के ऑस्ट्रेलिया से यहाँ केवल सेवा देने के लिए आई है। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारी बहन यहाँ आए और भारत में ही आपका जन्म हुआ, संगरूर पंजाब, पंजाब से हैं और अब वर्तमान में बहन हमारी ऑस्ट्रेलिया रहती हैं और इन्होंने सुंदर तालियां बहन के लिए कि ऑस्ट्रेलिया से आप आई केवल सेवा देने के लिए कि यहाँ माओ की सेवा। और ये कथा भी सुनते रहते हैं, है ना? सा परिवार आप आए हैं और वहां देखिए सुनने वाले और करने वाले सात समुद्र पार से भी आकर के कथा सुन लेते हैं और सेवाओं से जुड़ जाते हैं। भगवान आपको सुखी रखें, जितना आपने दिया है उसका हजारों गुना करोड़ों गुना करके भगवान आपको लौटाएं। खुश रहिए, सदा सुखी रहिए। जब आप किसी की दुआएं पाते हैं तो कहते हैं दवाओं का असर जहां खत्म हो जाता है वहां से दुआओं का असर स्टार्ट होता है। दवाओं से बढ़कर दुआएं हैं, इसलिए किसी बेसहारा मां के देखिए, ये दास अनिरुद्ध आप सबका बेटा है, भाई है और ये माओ की सेवा। अब आपको मैंने कल बोला ना कि वृंदावन अब लोग गौरी गोपाल आश्रम केवल यहां सेवाएं देखने आ रहे हैं, पूरी दुनिया देश विदेश से लोग सेवाएं देखने आ रहे हैं। ये पहली बार भारत में हो रहा है कि लोग पैसा खर्च करके केवल सेवाएं देखने आ रहे हैं।
आप समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आने में लाखों रुपए तो यूं ही खर्च हो जाते हैं, किराया आने जाने में, फ्लाइट का किराया ही लाख रुपए से कम का नहीं है लगभग। तो सेवाएं आज यहाँ हरिद्वार से और उज्जैन से पूज्य स्वामी जी, पूज्य संत भगवान आज आए और यहाँ की सेवाएं, वृद्ध माओं की सेवा, रसोई की सेवा, यहाँ की तमाम सेवाओं का दर्शन किया। चाहे संत हो, चाहे आप जैसे भक्त हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं, इन सेवाओं की खुशबू पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। और ये दास अनिरुद्ध को ईश्वर ने इन सेवाओं के लिए चुना है और मैं आपसे कहूंगा कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं करिए और इन सेवाओं से जिस लायक हैं जुड़िए। आज मैं आपको एक और परिचय कराऊं। यहां आओ बेटा ऊपर। अच्छा, ये हमारी एक मैया है सरोज मैया, जिनकी उम्र है 65 वर्ष, रायगढ़ सिंधी कॉलोनी से हैं, पति 10 साल पहले समाप्त हो गए थे। इनका एक बेटा हुआ था जो कि इन्होंने बचपन में ही किसी को दे दिया था। मैया से बात कराओ एक बार। मैया आपका बेटा हुआ था तो किसे दे दिया था आपने? हाँ, उनको बिना बाल बच्चा नहीं था। किसको दिया था बेटा आपने? मेरी देवरानी। आपको, आपकी देवरानी को आपने अपना बेटा दे दिया? जी। तो उनके उसके बच्चा नहीं था इसलिए? उनके बच्चे पैदा हुए नहीं, फिर मेरा देवर खत्म हो गया। फिर? तो फिर उसके बाद मेरा लड़का को मैं ले दी। तो आपने अपने बेटे को दे दिया? जी। फिर अपना जीव खाओ। फिर आपका बेटा दूसरा हुआ? नहीं, मेरे पास 3 बच्चा थे ना, 3 लड़का थे मेरे को। हाँ। तो 3 लड़का में 2 लड़का मेरे खत्म हो गया। अच्छा, 2 खत्म हो गए। 22 साल का खत्म हुआ और 12 साल का खत्म। और जो दे दिया था वो है? जी, वो है जी। अब आपके पास फिर बेटा नहीं है? नहीं। तो फिर आप गौरी गोपाल आश्रम क्यों आ गए? तो वो मेरे भतीजा लोग नहीं रखना चाह रहे मेरे को, ना भाई रखना चाह रहा है। और आज मैंने माँ का परिचय इसलिए कराया कि जिस माँ ने अपने उस बेटे को गोद दिया था, आज वो बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए आया है गौरी गोपाल आश्रम में। कौन है ये आपका? ये हमारा लड़का है, वैसे नहीं यहाँ नहीं रहता है, दिल्ली में रहता है। तो जिसे आपने गोद दे दिया था वही बच्चा है ये? जी, ये वही है जी। तो वो अभी दिल्ली में रह रहा, अपनी शादी करके दिल्ली में रह रहा अपनी सास के पास में। अब बात करो भैया से। राधे राधे महाराज जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। ये वही दीपक है जिस दीपक को इनकी माँ ने बचपन में अपनी देवरानी को, है ना देवरानी? जी महाराज। देवरानी को दे दिया था जब ये 6 महीने का था। तो आज ये अपनी उस माँ से मिलने आया है जिस माँ ने इन्हें जन्म दिया है। गौरी गोपाल आश्रम में ये वृद्ध माता रहती हैं, इनके घर में कोई इनकी सेवा नहीं करता। तो बेटा, आप अपनी ये जो माँ है आपकी, तो आपकी वो माँ जिस माँ ने आपको गोद लिया, वो माँ की सेवा करते हो आप? महाराज जी, वो भी मेरी नहीं सुनती है। वो हरियाणा में एक भिवानी के शहर में रहती है अकेली। उनको मैं बोल बोल के थक चुका हूँ कि यहाँ आ जाओ। जब मेरे पास अपना किराए का मकान था ना, तब भी मैंने उनको इतना बोला कि यहाँ आ जाओ, मैं आपकी सेवा करूंगा, साथ में रहो, मिलते रहो। लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के चक्कर में मेरे से मतलब बिल्कुल ही अलग से सब कुछ। चलिए, वो अपना व्यवहार उनकी जगह है, पर आप उनके प्रति श्रद्धा रखिएगा। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखता हूँ और मैं हर 15 दिन में उनको देखने जाता हूँ। झाड़ू पोछा जो मेरे से बन पड़ता है, जो मेरे से सेवा होती है, मैं उनकी करता हूँ महाराज जी। अब आपके पास 2 जिम्मेदारी है, एक तो उस माँ की जिम्मेदारी जिसने आपको गोद लिया और एक उस माँ की जिम्मेदारी जिसने आपको गोद दिया, जिसने जन्म दिया। तो आपकी अब 2 माँ हो गई और 2 माँ हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी आपकी हुई कि नहीं? जी महाराज जी। तो ये जो माँ है, इनकी जिम्मेदारी, ये तो जन्म देने वाली माँ है। चलो वो माँ
किसी कारणवश ठीक है, उनकी भी सेवा करो, उनमें भी श्रद्धा रखो, पर ये आपकी जो जन्म देने वाली माँ है इनमें भी आपको श्रद्धा रखनी है और सेवा करनी है। महाराज जी मैं इस चीज के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे पास अपना आश्रय नहीं है। आपके पास अपना आश्रय नहीं है? मैं खुद अपने ससुराल में रहता हूँ। अच्छा। और वही लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कोविड के दौरान मेरे को नुकसान लग गया था करीब 10-15 लाख का, और मैं उससे उभर नहीं पाया हूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ 20-25 हजार रुपए की। ठीक है, नौकरी करिए, बिजनेस करिए, पैसा कमाइए, परिवार का पेट भरिए, परंतु अपनी माँ माँ को ना भूलिएगा। गरीबी अमीरी तो आएगी, समय तो ऐसा तक आया हरिश्चंद्र को कि बाजार में बिकना पड़ा। ये तो समय है, बनता और बिगड़ता रहेगा, लेकिन इस समय में जब समय अच्छा है हमारा तब हमने माँ की सेवा की, और जब समय बिगड़ा तो माँ को घर से निकाल दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अरे समय बिगड़ा है, उस समय भी नमक रोटी खाएंगे, पर अपने धर्म का पालन करेंगे, सेवा तो करेंगे ना अपनी माँ की। महाराज जी मैं जो हम खाते हैं वही खिलाएंगे, और ससुराल में क्यों रहना। ठीक है आपकी मजबूरी है अलग विषय, पर मैं आपका भाई होने के नाते, क्योंकि जिस माँ ने आपको जन्म दिया वो माँ गौरी गोपाल आश्रम में रह रही है, तो वो मेरी भी माँ हुई, इस नाते से आप मेरे बड़े भैया हो गए। इस नाते से मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि कभी नमक रोटी खाना पड़े तो खाओ, मेहनत जितनी करना पड़े करो, पर किसी के टुकड़ों पर पलने की कोशिश मत करो, यहां तक कि पिता के भी टुकड़ों पर नहीं। सेल्फ डिपेंड, माना कि आपका नुकसान कोरोना में हुआ, फिर भी आपको फिर खड़े गिरो, फिर खड़े हो जाओ, गिरो फिर खड़े। बच्चा गिरता है फिर खड़ा होता है, फिर चलता है फिर गिरता है फिर खड़ा होता है। अरे गिर गिर के संभलना ही जीवन है, इसलिए संभलो। वही कर रहा हूँ महाराज जी, लेकिन मुझे अभी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ अच्छा है, आपके ससुराल पक्ष अच्छा है कि आपका सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो मेरे सर पे कर्ज है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका लाभ लीजिए और जल्दी खड़े हो जाइए। वो वही कर रहे हैं महाराज जी, हम एक्चुअली उनके भी। और माँ की सेवा करो उस हाल में भी, ठीक है। मैं आया इसीलिए था महाराज जी, हाँ मिलने के लिए भी इसीलिए आया हूँ। तो आप अभी माँ को लेके जा रहे हैं? महाराज जी अभी मैं असमर्थ हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास अपना। चलो कोई बात नहीं, अभी आप असमर्थ हैं, पर मुझे वचन दो कि जब आप सेल्फ हो जाएंगे, जैसे ही आप बिल्कुल अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे, तुरंत अपनी माँ को लेकर। बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। और माँ की सेवा ऐसे करना जैसे भगवान की सेवा की जाती है। बिल्कुल महाराज जी, देखो माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर चार बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर विडम्बना कि उन चार बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। माँ एक बेटा भी आया कुछ दिन पहले, वो अपनी माँ को लेकर गया, मैं बहुत खुश था। मैंने उस बेटे से कहा कि भैया तुम बहुत अच्छे हो कि 3 साल बाद ही सही कम से कम अपनी माँ को लेने तो आए। उन बेटों से तुम बहुत अच्छे हो जो आए भी नहीं, फोन भी नहीं लगाया, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है। अरे ये माँ नहीं है, बच्चों का भाग्य होती है माँ। यदि देखो ईश होता क्या है ना, जैसे कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है, गलत जैसे चोरी कर लिया, मर्डर कर दिया, बलात्कार किसी ने कर दिया, तो उसकी FIR दर्ज हो जाती है, और एक बार सरकारी रिकॉर्ड में FIR दर्ज हुई तो जब तक आपके प्राण रहेंगे तब तक सरकारी रिकॉर्ड में ये रहेगा कि आपने उस समय ये अपराध किया था। उसी तरह आप बाद में कितने भी अच्छे हो जाओ, लेकिन वो रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगा कि आपने ये कभी अपराध किया था, आपका रिकॉर्ड बिगड़ गया, बैड रिकॉर्ड बोला जाएगा ऐसे कि आपका रिकॉर्ड खराब है भाई साहब, आपने मर्डर किया था, आपने बलात्कार किया था, फला फला फला। उसी तरह जो अपनी माँ को घर से निकाल देता है, अपने माँ की सेवा नहीं, बाप की सेवा नहीं करता, ईश्वर के सरकारी दस्तावेज में भी, ईश्वर के सरकारी दस्तावेज, सरकार के सरकारी दस्तावेज में उस व्यक्ति का रिकॉर्ड बिगड़ जाता कि भाई तुमने, अब तुम कितने भी जन्म लो तुम्हारा रिकॉर्ड ईश्वर कहेंगे कि तुमने उस जन्म में देखो माँ की सेवा नहीं की। इसलिए बेटा इस अपराध से बचना, आप भाई हो मेरे, समझा रहा हूँ, मान लो
माँ की सेवा करो। जो लोग छोड़ रहे हैं अपनी माँ को, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उन्हें इस पाप का दंड भोगना पड़ेगा। बहुत भयंकर दंड है इसका, इसलिए सेवा करना है अपनी माँ की। किसी भगवान कभी उसे माफ नहीं करते जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता। ईश्वर की डायरी में वो अपराधी होता है सदा के लिए जो सेवा नहीं करता। अब आप समर्थ हो जाओ जल्दी, भगवान करें आप जल्दी अपने पांव में खड़े हो, ये आशीर्वाद आपके लिए, और जल्दी अपनी माँ की सेवा करो। ठीक है भाई, माइक चालू कर दो बेटा, माइक इधर आदमी। हेलो, काहे बंद कर देता है बेटा, बैटरी खर्च हो रही है तेरी। हाँ महाराज जी, जिस दिन भी मैं समर्थ हो जाऊंगा ना, मैं उसी दिन मैं खुद लेके जाऊंगा, मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ इस चीज को। चलो भगवान करे जल्दी आप समर्थ हो जाएं, भगवान खुश रखे। बेटा आया था बहुत दिनों बाद माँ से मिलने, मैंने कहा चलो आप लोगों से भी मिलवा देता हूँ, इसलिए मैं इन माँओं का दर्शन आपको कराता ही रहता हूँ, और इस माध्यम से समाज को एक सीख भी मिलेगी कि हमें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। कितनी मजबूर होकर माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, इसलिए आपसे प्रार्थना है। देखिए ये बच्चे मजबूर हैं माँ की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं तो मजबूर नहीं हूँ, मैं तो खूब दिल खोल के सेवा करता हूँ, मैं तो भीख मांग कर सेवा करता हूँ आप लोगों से। तो मेरे जैसे भिखारी को आप सपोर्ट इसलिए किया करो कि आपकी दी गई भिक्षा से इन माओ का सहारा होता है, इन माओ को रोटी मिलती है, इन माओ को आसरा मिलता है। देखो बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं कि नहीं जी अभी नहीं ले जाएंगे माँ को। बेटा भले अपनी माँ को ना रखे, पर यह दास अनिरुद्ध जब तक है, जब तक किसी का सहारा बनने के योग्य है, सहारा बनिएगा। याद रखिएगा हमारी पूजा पाठ एक तरफ है, और जीवन में किसी का किया गया भला, किसी के साथ किया गया अच्छा अच्छाई, वो एक तरफ है। अच्छाई को ईश्वर कभी भुलाते नहीं। आप किसी के साथ भला करेंगे तो देखो भला का उल्टा करो जरा क्या होता है, भला, जोर से भला का उल्टा। हाँ, जो भला करेगा किसी का, ईश्वर उसी का लाभ करेंगे, उसी का लाभ होगा। इसलिए भला कीजिए, भला होगा, बुरा कीजिए, भला कीजिए, भला कीजिए, भला होगा, बुरा कीजिए, भला कीजिए। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। इसी गीत की ये लाइन है, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के, इसलिए ईश्वर सब देख रहा है रे बाबा। इसलिए कोशिश करो कि हम मन से वाणी से सबका भला करें। प्रिय भक्तों, कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। भाई ये देखो, इनसे बोलो पत्थर काट रहे हैं जो, बोलो अभी शोर ना करो। व्यास जी महाराज ने कहा कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां कहां रहता है, जोर से, कलयुग कहां रहता है, जुआ, शराब, द्यूतम पानम स्त्रिय, सोना, जुआ शराब, इन स्थानों में कलयुग रहता है। पराई स्त्री,
पर पुरुष मांस पहला स्थान जुआ। जुआ तो नहीं खेलते आप लोग? जुआ आजकल तो मोबाइल पर भी लोग डाउनलोड कर लेते हैं, जुआ वाले ऐप। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार जुआ का प्रमोट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जुआ द्यूतम पानम, पानम बोले तो शराब, शराब मत पीजिएगा नाश हो जाएगा। जिनने पिया है उनका घर जाके देख लो, विश्वास ना हो तो। शराब पीने से क्या होता है उनको जाकर देख लो जो पी रहे हैं, उनका कैसा है तो तुम्हारा कैसा होगा। हाँ या ना? हमारे देश में यदि शराब ना हो तो हमारा देश बहुत जल्दी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। कैसे कैसे होगा बताओ, आप बताओ। शराब यदि ना बिके, शराब यदि भारत में कोई ना पिए, तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा या कमजोर होगा? जोर से कैसे होगा, फैक्ट बताओ कैसे होगा। ऐसे मजबूत होगा कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा शराब कौन पीता है, शराब पीने वाले कौन है ज्यादा भारत में? हमारे देश में शराब पीने वाले लोग तीन श्रेणी होती हैं, उत्तम, मध्यम और सामान्य। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो पहली क्लास के लोग हैं, हाई क्लास के लोग, समझदार, वो शराब नहीं पीते, वो शराब नहीं पीते। जो हाई क्वालिटी के लोग हैं उन्हें पता है, वो पीते नहीं हैं, वो पिलाते हैं। नेता लोग शराब पीते नहीं हैं, चुनाव में बंटवाते हैं, पियो। हाई क्लास के लोग पीते नहीं हैं, वो पिएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। वो पीते नहीं हैं, वो पिलवाते हैं, समझ रहे हैं? तो समझदार लोग शराब नहीं पीते। अब जो दूसरे नंबर का है वो ऐसा वाला है कि वो आदि नहीं है, पर कभी मिल गई तो पी लिया, वरना नहीं पिया। जैसे आप में से कुछ लोग हैं कि महाराज जी कोई नशा नहीं है, पर कभी मिल गई तो, लेकिन आज मिल गई तो पी लिया। धीरे धीरे आप भी लत आ जाएगी, आदि हो जाओगे, और वो आपका भी नुकसान करेगी। आप भले कभी कभी पीते हो, लेकिन आपने कभी डीप में सोचा होगा कि आपके कभी कभी पीने से भी आपके घर में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, क्योंकि कलयुग का ठिकाना शराब में है, और जहां शराब है वहां कलह होगी, झगड़ा होगा, घर का सुख चैन उजड़ेगा। और जो तीसरे नंबर के हैं, फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो जो तीसरे नंबर के लोग हैं, जैसे हमारे देश के अधिकांश, अधिका सब नहीं, अधिकांश मजदूर वर्ग, ये लोग दिन में 500 कमाए, 600 कमाए तो 100 रुपए की शराब पी लिए, या 200 रुपए की शराब पी के आ गए घर में। अब दिन भर तो काम किया आपने, ईंट ढोई और काम किया, थके तो वैसे ही हो, परिवार से दूर रहे, अब थारे हारे थके आए और शराब और पी ली, तो जो समय बच्चों को देना चाहिए था, पत्नी को देना चाहिए था, वो शराब के नशे में आपने बच्चों के साथ अभद्रता की, डांटा मारा, पत्नी को भी आपने चिल्लाया, माँ को भी आपने गलत तरीके से बिहेव किया माँ के साथ। इससे क्या होगा, यदि भारत देश का सामान्य व्यक्ति जो 500 कमाता है, 1000 कमाता है रोज का, ये लोग शराब ना पिए और वो शराब के पैसे को बचाकर यदि 100 रुपए की आपने शराब पी, तो महीने का कितना हो गया, 3000 रुपए महीना हुआ। उस 3000 रुपए में आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाकर उन्हें योग्य बना सकते हैं। वो 3000 रुपए आपके बहुत काम आएगा। 200 की पी जाते हो तो 6000 हो गया, 6000 बहुत बड़ा होता, ठीक है, सामान्य आदमी के लिए 6000 मायने रखता। यदि वो पैसा आप बचाएं, बच्चों में लगाएं, पढ़ाएं लिखाएं, तो क्या होगा,
जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे तो सरकार को टैक्स देंगे, स्वयं भी सेल्फ डिपेंड बनेंगे, सरकार का भी सपोर्ट करेंगे, तो भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और घर में जो झगड़े लड़ाई हैं वो खत्म हो जाएंगे। पत्नी का मंगलसूत्र बिक जा रहा है बेचारी का, घर के बर्तन बेच करके आदमी शराब पी ले रहा है, कितनी परेशानी स्त्री को होती है। भगवान करे किसी को शराबी पति ना मिले, ना शराबी पति जिसका है उस पत्नी से पूछो, बेचारी दिन रात केवल उसके भाग्य में आंसू हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। बेचारी सिर्फ रोती है, अपना दर्द कहे तो किससे कहे, सास से कहे तो वो रोती है कि मेरा बेटा शराबी है, पत्नी बोली मेरा पति शराबी है, बच्चे मेरा बाप शराबी। इसलिए शराब बहुत बुरी चीज है, इसे हमें अपने आप से बहुत दूर रखना चाहिए। हम तो कहते हैं सरकार को यदि इससे टैक्स मिलता है, पैसे मिलते हैं तो कम कमाओ साहब, लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ तो ना करो। शराब ना बिके ये अच्छा है, शराब बिकी ना भारत में। हम तो यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आपने यदि मेरे से एक सवाल, जो कि मुझे नेताओं से प्रधानमंत्री इत्यादि पद की कोई चाह नहीं है, फिर भी एक आम नागरिक के नाते में बात रख रहा हूं अपनी, कि यदि आप मेरे से पूछें कि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, तो यदि मैं जो एक आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूं कि यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं पहले क्या करता, मैं तीन काम करता। पहला काम कि भारत की शिक्षा फ्री कर देता, बच्चे कितना भी पढ़ना चाहें पढ़ो, सरकार पढ़ाएगी, क्योंकि सरकार वैसे भी चुनाव का लॉलीपॉप दे करके, कोई फ्री में ट्रेन की यात्रा कराई जा रहा है, कोई बस में फ्री में बैठा, कोई सिलेंडर फ्री में दे रहा, कोई लैपटॉप फ्री बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो ये लॉलीपॉप फ्री में ना बांट के यदि भारत को शिक्षित बनाने के लिए सरकार चाह ले कि चाहे गरीब आदमी का रिक्शे वाले का बेटा हो या बड़े आदमी का बेटा हो, दोनों एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक शिक्षा, और सबको शिक्षा का अधिकार, कितना पढ़ो सरकार पढ़ाएगी। पहली बताइए, शिक्षा फ्री होनी चाहिए कि पैसे में होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। हम कहते हैं बिजली का बिल फ्री मत करो, बिजली का बिल फ्री मत करो, पानी का बिल फ्री मत करो, पानी का लो पैसा, बिजली का लो पैसा, पर बच्चे हमारे देश में शिक्षा का अभाव जानते हैं। आज माताएं बहनें सड़क में निकल जाएं तो कोई चैन खींच के भाग रहा है, कोई मोबाइल खींच के भाग रहा है, चोरी कितनी हो रही है भारत में, क्यों? यदि ये बच्चे चैन चुराने वाले, यदि शिक्षा फ्री होती तो ये पढ़ते लिखते योग्य बनते, राष्ट्र के लिए कुछ करते, ये चोरी थोड़ी करते। तो पहला काम यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पहली शिक्षा फ्री करता, दूसरा यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो दूसरा काम ये करता कि स्वास्थ्य फ्री करता, 5 रुपए की दवाई हो या 50 लाख की, सबकी दवाई फ्री, सबका इलाज फ्री, मृत्यु से सब मरेंगे पर बीमारी से कोई नहीं मरेगा। आज गरीब आदमी को ना यदि 1 लाख रुपए का इलाज कराना हो तो उसे, अब तो सरकार ने फिर भी कुछ मुहिम चालू की है लेकिन अभी पूरी राहत नहीं है। एक तरफ से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत का ये कोना हो या वो कोना हो, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, हाँ या ना, ये बात सही है कि गलत है? तीसरा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो तीसरा कार्य करता कि भारत में गुटके को बैन करता, शराब को बैन करता, गांजा अफीम चरस को बैन, कोई नशा नहीं, इन नशों की कोई जरूरत, गौ हत्या को बैन, गौ हत्या नहीं होगी, पहला कार्य। तीन काम, एक शिक्षा सब पढ़ो,
स्वास्थ्य सबका निःशुल्क सबका। हम तो देखो सरकार में अभी कोई हमारे पास पद प्रतिष्ठा नहीं, फिर भी हम तो भीख मांगकर समाज को जो करने लायक है, फ्री में भोजन सबको मिल रहा है गौरी गोपाल आश्रम से। हम जो कर सकते हैं वो अपने स्तर से कर रहे हैं। हम सबको निःशुल्क स्वास्थ्य देने की काबिलियत अभी नहीं है हमारी, ये तो सरकार जो प्रधानमंत्री पद पर होगा वो सब कर सकता है। व्यर्थ का पैसा बचाओ, सरकार व्यर्थ का खर्चा बंद करे। सरकार बहुत पैसा लुटाती है व्यर्थ का, कहां कहां लुटाती है। अब देखो सड़क बनी, बनी सड़क, एक महीने बाद फिर खोद दी। काहे खोद दी? सीवर की लाइन डालना भूल गए थे, फिर बन गई सड़क। फिर खोद दी, काहे खोद दी? अरे बिजली की लाइन डालना भूल गए थे। एक शहर में सड़क बनती है तो एक ही सड़क चार बार बनती है। अब बताओ ये चार बार का जो पैसा है व्यर्थ गया कि नहीं? हजार करोड़ की सड़क बनी और आपने हजार करोड़ की सड़क यदि खोद दी तो हजार करोड़ नुकसान हुआ कि नहीं? वो हजार करोड़ फिर बनाओ, वो हजार करोड़ से कितने बच्चे पढ़ लेते यदि फ्री शिक्षा हो जाती तो, कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता यदि फ्री स्वास्थ्य हो जाता तो। अब पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है साहब, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ लाख रुपया साल मांगते हैं, 50,000 रुपया साल, और महंगा स्कूल है तो 2,00,000 रुपया साल। मैंने तो सुना कि एक स्कूल में 20,00,000 रुपया भी लगता साल। मैं तो कांप गया नीचे से ऊपर तक। राम 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 राम। हमारे पिताजी ने हमें 2 साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूल था उसकी फीस 20 रुपए महीना थी, 30 रुपए। हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल में फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना। तो हम 2 साल प्राइवेट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि हमारे पिताजी के पास महीने का 30 रुपए देने की क्षमता नहीं थी भी। फिर स्कूल के हाथ पांव जोड़े के भैया 30 रुपए नहीं 20 रुपए ले लेना। आश्चर्य मानेंगे 20 रुपए महीने वाले प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ के आए हैं। सातवीं तक तो हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारे गांव के बहुत बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूलों में, 30-30 रुपए महीना, 40-40 रुपए, 100-100 रुपए। उस जमाने में 100 रुपए महीना का भी स्कूल था, 500 रुपए महीना का भी, लेकिन अपनी औकात तो थी नहीं इतनी, तो 30 रुपए वाले में पढ़े थे, 30 रुपए महीना था, उसमें भी फिर हाथ बिनती जोड़ के 20 रुपए कराए थे। शिक्षा फ्री होती ना साहब तो कुछ और होती देश की तस्वीर। बहुत सारे लोग पैसे के अभाव में कहां पढ़ पाते हैं, ये बात सही है कि गलत है? हाँ, इसलिए हमारा देश सोने की चिड़िया था, है, रहेगा। कुछ नेता नहीं होने देना चाहते देश को सोने की चिड़िया। अब वर्तमान सरकार ने कुछ ठीक ठीक कदम उठाए हैं, कुछ स्वास्थ्य भी फ्री किया है, शिक्षाओं का भी, पर पूर्ण होना चाहिए। मेरी तो तब सहमति पूरी होगी कि जब पूरा स्वास्थ्य फ्री और पूरी शिक्षा। और नशा, भारत में शराब बिकनी चाहिए क्या? सोचो, संतों का पिक्चर बनाने वाले बॉलीवुड के जितने लोग हैं ये संतों को गालियां देते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि गुटखा में बैन लग जाए तो वो लोग तो वो तो बेचारे दाने दाने में केसर का दम, वो तो प्रचार ही कर रहे हैं गुटखे का। अब उनके विचार से हमारे विचार तो मैच करेंगे नहीं, तो वो लोग फिर हम लोगों को गालियां देते हैं, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हैं, बाबा लोग तो ढोंगी हैं। भाई वो तो चाहेंगे ना कि ऐसी बातें हम ना करें, ऐसी बातें, क्योंकि यदि हम ऐसी बातें की और आम जनता जाग गई तो ऐसे सुपर डुपर स्टारों के जीवन में सब इनकी पिक्चरों में ताला पड़ जाएगा।
इसलिए आम पब्लिक को जागना चाहिए, जो आपके बच्चों को गुटखा खिला रहे हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, मूवियां बनती हैं हजारों करोड़ खर्च करके, उन मूवियों में दिखाते क्या है, शराब को प्रमोट करते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने बनाते हैं। अब ये शराब को प्रमोट ही तो है, आपने पी ली एक घूंट इसलिए कि यार मेरा भी कुछ गम कम हो जाएगा, हुआ कुछ कम नहीं बढ़ोर गया, क्यों आप पीते हो शराब, आप पीते हो, पीना मत, आप पीते हो, हाँ शराब, और आपके ये सारे सुपर डुपर स्टार लोग शराब को प्रमोट करते हैं, बताओ शराब सही है, तो ये सुपर डुपर स्टारों को करना चाहिए प्रमोट, तो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, देश को बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए, पर विडंबना यह है जो बर्बाद करना चाहते हैं उन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना दिया, और जो आपका और आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं उन साधु संतों को आपने ढोंगी पाखंडी करार दे दिया, ये आम जनता का न्याय है। मेरी मां भगवान, ये कलयुग के चार जुआ शराब स्त्रिया पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, मांस मांस ना खाना, और साथ ही साथ बेईमानी से धन मत कमाना। हम तो ईमानदारी से आपसे बोलते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं, आओ देखो और अच्छा लगे तो जुड़ो, है ना, हम झूठ नहीं बोलते, हम बेईमानी नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं, अच्छा लगे तो दो, नहीं लगे तो आशीर्वाद दो बस, क्यों जी, हम झूठ नहीं बोलते और झूठ बोल के काम करना भी नहीं चाहते, हम क्या करेंगे, हम नहीं, हम भूखे मर जाएंगे, हम भिखारी तो थे ही हैं, बचपन में हम तो भीख मांगते थे, इसलिए बेईमानी नहीं, भीख मांग लो, मांग लो, भीख मांगना अच्छा है, चोरी करना अच्छा, भीख मांग के पेट भरना अच्छा है, पर झूठ बोल के धन्ना सेठ हो जाना अच्छा, हाँ इसलिए सत्य के राह पर चलो, सत्य की रोटियां खाओ। राजा परीक्षित ने एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, श्राप मिला, हाथ जोड़ के परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान से, गुरुदेव मैं क्या करूं कि मुझे 7 दिन में मरना है, मेरा कल्याण हो जाए। सुखदेव भगवान बोले कि आप एक काम करो, केवल तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। सब में भगवान को देखो, कथाएं सुनो, श्रोतव्यः ज्यादा से ज्यादा सुनो कथाएं, कीर्तन करो, स्मरण करो भगवान का। सुखदेव भगवान बोले राजन ज्यादा हाय हाय नहीं, अच्छा कितना पैसा होना चाहिए हम सबके पास, मैया बताओ, अच्छा ज्यादा पैसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए कि सामान्य होना चाहिए या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अच्छा जरूरत से ज्यादा बहुत पैसा होना चाहिए क्या, उत्तर दो, उत्तर दो, क्यों नहीं, आपके पास है तो फिर कैसे कहोगे, भगवान करें आप लोगों के पास बहुत पैसा हो, लेकिन अच्छा मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि बहुत पैसा इसलिए आपके पास आना चाहिए क्योंकि जब पैसा नहीं आता ना तो आदमी पैसे के लिए रोता है, दुखी रहता है, इसलिए मैं भगवान से कहता हूं प्रभु सबको दो पैसा, इतना दो कि आदमी ऊब जाए, ऊब जाए मीन्स पेट भर जाए। जब आपको ज्यादा पैसा आएगा तो आपको समझ आएगा कि शांति पैसे में है ही नहीं,
लोग भाग जरूर रहे हैं पैसे के पीछे, पर शांति नहीं है। इसलिए आपको भी ये अनुभव होना चाहिए, ज्यादा पैसा हो भगवान करे आप सबके पास, पर शांति कहां है? अच्छा बताओ, शांति धन में है या किसी और में? किसी और में है तो किस में है आप बताओ, शांति किस में है आप बताओ, शांति किस में है? हाँ दादाजी बताओ, शांति किस में है? हाँ, शांति धन में नहीं है, शांति है संतोष में। जितना धन होगा आप उतने परेशान होंगे, और भगवान करे आपके पास धन बहुत हो पर संतोष यदि है तो वो धन आपको सुख देगा। थोड़ा है और संतोष है तो भी सुख मिलना है, ज्यादा है और संतोष है तो भी सुख मिलना है, और बहुत ज्यादा है और संतोष नहीं है तो वो धन आपको सुख नहीं देगा, केवल दुख देगा, केवल पीड़ा देगा, कष्ट देगा। इसलिए क्या चाहिए मेरी माँ? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। राम इतना दीजिए जा मैं कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा। और जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाए तो नाव में यदि पानी भर जाता है तो आप क्या करते हैं? नाव में पानी भर जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ आप? आपके पीछे नाव में पानी भर जाए तो क्या करते हैं? हाँ, उलीचते हैं, बाहर करते हैं, नहीं करेंगे तो वो पानी नाव को। हाँ, जब धन जरूरत से ज्यादा आए तो दोनों हाथ से उस धन को धर्म से जोड़ने लग जाइए, समाज की सेवा कीजिए, तब वो धन आपके काम का है। यदि आपके पास धन बहुत है और आपने यदि उसे जोड़ा नहीं सेवा से तो इनकम टैक्स का छापा पड़ता है, वो करोड़ों रुपया लेके चले जाते हैं। इसलिए धन आए तो तुरंत धर्म। अच्छा, लक्ष्मी चंचल क्यों है? लक्ष्मी चंचल क्यों है? उत्तर दो। लक्ष्मी चंचल इसलिए है कि चंचल ना होती लक्ष्मी तो आपका धन बढ़ता ही नहीं, लक्ष्मी की चंचलता ही धन को बढ़ाती है। आप लोग रोते हो महाराज जी पैसा ठहरता नहीं, यार सुनो, रोया ना करो, उसका लाभ लिया करो। लक्ष्मी चंचल इसलिए है कि पैसा यदि आपने पाया और तिजोरी में बंद कर लिया तो उस तिजोरी के पैसे से लाभ ना होगा, पैसा मार्केट में कुछ ना कुछ काम में लगा रहे तो वो पैसा बढ़ता है ना। तिजोरी में बंद हो जाए तो वो पैसा बढ़ता नहीं है। जैसे बैंक में आपके खाता होता है, एक सेविंग खाता होता है, एक करंट खाता होता है। जो बड़ा खाता होता है उसमें सेविंग में जो है ना, जो आप डाल रहे हैं करंट बड़ा बल्क में, उसमें ब्याज नहीं देती बैंक आपको, जितना है उतनी रहेगा, पर उसमें एक छोटा सा प्रोसेस कर लो तो बैंक ब्याज भी देने लग जाती है, क्योंकि बैंक उस पैसे को उठाकर, जैसे एफडी इत्यादि आप है तो एफडी आपने बना दी 1,00,000 रुपए की या 5,00,000 की, तो वो बैंक क्या करती है उस एफडी को, 1 साल तक के लिए आपने एफडी बनाई या 4 साल, तो वो क्या करेगी बैंक, उस 1,00,000 को वो यूज कर लेगी और बढ़ेगा तो बैंक का फायदा भी होगा और आपको बढ़ा के दे देगी। और आपने बैंक में जमा कर रखा, उसका कोई यूज नहीं किया, तो वो जितना का उतना ही उतना हल्का फुल्का कुछ देती है, बैंक देती रहेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि लक्ष्मी चंचल है और आपके पास रुकेगी नहीं। आपके पास लक्ष्मी आई तो उसका उपयोग कर लोगे तो लक्ष्मी और आएगी,
और यदि आपने उपयोग नहीं किया, अच्छा सिंपल उदाहरण से समझो, कुआ है, कुआ, कुएं से पानी निकालना आप बंद कर दो तो क्या होगा? उत्तर दो, कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो क्या होगा? अच्छा कुएं से पानी निकालते रहो तो क्या होगा? कुएं में पानी भरता रहता है और कुएं से पानी निकालना बंद कर दो, दो पांच साल के लिए कुएं का पानी ना निकाला जाए तो कुएं के जितने स्रोत हैं बंद हो जाते हैं, हाँ या ना? और निकलता रहेगा तो स्रोत उस कुएं को ताजे पानी से, नए पानी से भरते रहेंगे। उसी प्रकार जब धन आए तो आया है तो उसे जाने दो, रोको मत, आया है तो अच्छे काम में लगाओ, जाने दो, अच्छी जगह लगाओ, यूज करो अच्छा, जाने दो, यदि रोका तो वो आना बंद हो जाएगा। इसलिए जाने दो, और जाएगा तो नया आएगा, बढ़ के आएगा। एक आदमी मेरे को मिला बचपन में, बचपन में नहीं मतलब 12-15 साल पुरानी बात है। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं, आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएगा, सुनो। एक गांव में मैं गया, बहुत पहले मेरे एक चाचा हैं, वो एक गांव लेके गए मुझे, तो वहां एक गांव में मैं गया तो उन्होंने हमें कुछ नमकीन बिस्किट, जैसा कि सबके घर जाते हैं तो लोग परोसती हैं, तो वो नाश्ता हमें करा रहे थे, तो हम बिस्किट नमकीन कुछ वो ले आए तो सब खा रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही सबके बीच में, मैं तो उस समय बालक था लेकिन उस बात को मैंने ही ग्रहण किया किसी ने नहीं किया। उस आदमी ने कहा, महाराज जी ये हमारे घर के बगल में 5 एकड़ खेत है, हमारे घर के बगल में 5 एकड़ खेत है और मैंने अपनी पत्नी को 5 तोले का हार बनवाया। तो मैंने कहा ये तुम क्यों कह रहे हो? उसने कहा, महाराज जी मेरी पत्नी जिद पर अड़ गई कि मुझे 5 तोले का हार चाहिए, और मैं कह रहा था कि नहीं हार मत लो, अच्छा जितने का हार था उतने का ये खेत था 5 एकड़। बहुत पुरानी बात थी, उस समय सोने का जो भाव रहा होगा उसी समय उस खेत का भी वही भाव था। मान लो आपके 20,000 रुपए तोला रहा होगा, तो ये बात तब की है जब सोना 3,000 रुपया तोला था, बहुत पुरानी, 3,000 रुपया तोला समझते हैं, जब मैं होश संभाला उस समय सोना 3,000 रुपए तोला था मेरे होश संभालने पर। तो उसने बोला कि मेरा खेत भी जो बगल का था वो भी 3,000 रुपए एकड़ का था और 5 एकड़ था, और मेरी पत्नी भी अड़ गई कि 5 तोले का हार चाहिए, तो मैंने पत्नी की बात मानी और पत्नी के लिए 5 तोले का हार बना दिया। अब वो 5 तोले का हार है तो सही, लेकिन उसकी कीमत क्या है? और ये 5 एकड़ जमीन यदि मैंने खरीद ली होती तो फिर मेरा धन कितना हो जाता? आज कई गुना, हजारों गुना बढ़ जाता। वो आज इस खेत की कीमत करोड़ों में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लक्ष्मी तो चंचल है, वो तो या सोने में खर्च हो जाएगी, या दवाई में खर्च हो जाएगी, या खाने में खर्च हो जाएगी, या कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगी, या तो दान पुण्य में खर्च हो जाएगी, होना खर्च है, पर आप समझदार हैं तो उसे वहां खर्च कीजिए जहां सही है, जहां आपके लिए अच्छा है। चंचल तो है ही, रुकेगी नहीं, पर खर्च वहां करो जहां से लाभ। तो वो आदमी रो रहा था, वो जब भी वो हार देखता ना पत्नी के गले में वो रो पड़ता, तेरे हार के चक्कर में ये 5 एकड़ का खेत चला गया, हाँ या ना? अब बताओ वो हार कितना कीमत देगा अब? इसलिए लक्ष्मी चंचल है तो आपने उसे लगाया तो वो बढ़ गई कि नहीं, और लगाते और बढ़ती। इसी प्रकार धन को धर्म से जोड़ना चाहिए। यदि आपने 1 रुपए देकर किसी को 1 रोटी खिला दी, किसी को आपने 20 रुपए देकर भोजन, चलो 20 रुपए का कुछ खिला दिया, 50 रुपए की थाली लाई और उसे भूखे को खिला दिया, तो जो भोजन कराया ना गरीब आदमी को भूखे को,
वो 20-50 रुपए की जो थाली आपने दी गौरी गोपाल आश्रम में किसी संत को माँ को भोजन कराया, वो ईश्वर की डायरी में नोट हो गया, वो आपको बढ़ करके मिलेगा, वो आपने शेयर खरीद लिए ईश्वर से, ये समझो पुण्य के शेयर खरीद लिए आपने, वो बढ़ के ही मिलना है, उसमें नुकसान होने वाला हाँ। इसलिए धन को धर्म से जोड़ा जाए और जरूरत से ज्यादा हाय हाय नहीं, शांति से जीवन जियो, पत्नी को समय दो, बच्चों को समय दो, परिवार को समय दो, हंसो मुस्कुराओ, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, जोर से आपकी आपकी मुस्कान, आपकी प्रसन्नता। इसलिए करोड़ों होने के बाद भी यदि आप हंसते नहीं हैं तो आप गरीब हैं, और आपके पास घास की झोपड़ी है और आप खिलखिला के हंसते हैं तो आप बहुत अमीर हैं। आपकी प्रसन्नता आपकी अमीरी है, आपकी संपत्ति अमीरी नहीं है। संपत्ति तो बहुत लोगों के पास है पर जीवन में वो हंस नहीं पा रहे हैं, सुखी नहीं है। इसलिए जितना दिया विधाता ने उसमें धन्यवाद दो और सुखी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि जब भगवान ने ये सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है, भगवान शांति दूत बनकर गए हैं और दुर्योधन ने भगवान के साथ गलत व्यवहार किया है, विदुरानी के छिलके भगवान खाए हैं, इसके बाद भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो विदुर जी महाराज को भगवान ने याद किया, विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से एक सवाल पूछा कि भगवान ने यह संसार क्यों बनाया, मैया भाई आप बताओ भगवान ने यह संसार क्यों बनाया, आप बताओ क्यों बनाया, बताओ उत्तर दो, भगवान ने यह दुनिया क्यों बनाई है हा? अच्छा बताओ भगवान ने दुनिया बनाकर सही किया कि गलत किया हा? कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। ये गीत तो आपने सुना ही होगा, तो ये गीत एक प्रश्न खड़ा करता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। क्यों बनाई भगवान ने दुनिया, सही किया कि गलत किया भगवान ने। कई बार आप लोग भी ये बोलते होंगे जब परेशान होते हैं, भगवान काहे को बनाया ये दुनिया, कई बार आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा। जब आप बहुत तंग होते होंगे, परेशान होते होंगे, तब आप बोलते क्यों बनाई भगवान, क्यों आप बोलते हैं नहीं? तो बताओ क्यों बनाई भगवान ने दुनिया। अरे भाई भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, एक व्यवस्था बनाई, एक आनंद के लिए बनाया संसार, आनंद के लिए रचा ये संसार। अच्छा ये बताओ आप गाड़ी क्यों खरीदते हो, जोर से, आप घर क्यों बनवाते हो, आप कपड़े बढ़िया पसंद के क्यों खरीदते हो और क्यों पहनते हो, बढ़िया बढ़िया घर में पकवान क्यों बनते हैं, बोलो लोग अपने ब्याह में इतना खर्चा क्यों करते हैं, आनंद के लिए। आप गाड़ी खरीदे आनंद के लिए, आपने घर बनवाया आनंद के लिए,
आपने अच्छे कपड़े खरीदे आनंद के लिए, आपने अच्छी लड़की अच्छे लड़के से विवाह किया आनंद के लिए, आप जो करते हैं अपनी खुशी अपनी प्रसन्नता अपने सुख अपने आनंद के लिए करते हैं, ये बात सही है कि गलत है? आप जो करते हैं वो अपने आनंद के लिए करते हैं, आप जॉब भी करते हैं अपने आनंद के लिए, किसी से बात भी करते हैं अपने आनंद के लिए, कुछ खाते हैं अपने आनंद के लिए, वो नहीं खाते जिसमें आनंद ना हो, ककड़ी कड़वी हो तो थूक देते हैं, मीठी हो तो बढ़िया खा लेते हैं। आप जो खाते हैं जो पीते हैं जो देखते हैं आनंद के लिए, जैसे आपने सब कुछ आनंद के लिए किया उसी प्रकार ईश्वर ने भी ये संसार अपने आनंद के लिए रचा है, अपने आनंद के लिए बनाया आनंद, इसलिए भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता नंद के, क्योंकि कृष्ण का नाम भगवान आनंद के सागर है। राम जी का नाम भी आनंद है, जो आनंद सिंधु, जो आनंद के सिंधु कहा गया, सिंधु मतलब सागर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की राशि सी करते त्रैलोक के सुपासी, ऐसे को नाम पड़ा राम। राम इनका नाम होगा क्योंकि ये आनंद के सागर है, बस आनंद के सागर, इसलिए भगवान आनंद के सागर है। इसलिए भगवान ने अपनी लीला की जिम्मेदारी भी राम आनंद सागर को दिया कि तुम बनाओ राम आनंद सागर। जो अब राम आनंद सागर, मुझे तो लगता है कि भगवान ही इस रूप में आकर के, और जो रामायण बनी साहब, जितनी बार देखो ना उसे उतनी बार आंखें गीली होती हैं, ऐसा दिव्य दिव्य तरीके से। उसके बाद कितनी सैकड़ों रामायण बन गई, खर्चा ज्यादा किया पैसा ज्यादा खर्च किया, लेकिन जो रामानंद सागर जी की रामायण में सुख मिला, जो आनंद मिला, वो नाम ही है रामानंद आनंद। देखो आनंद वहां, इसलिए आनंद है, इसलिए आनंद है, इसलिए आनंद, भगवान का नाम आनंद। इसलिए संसार क्यों बनाया ईश्वर ने, जोर से कोई आपसे पूछा कि भगवान ने संसार क्यों बनाया तो क्या उत्तर दोगे, अपने आनंद के। भगवान ने संकल्प लिया कि मेरी नाभि से कमल प्रकट हो जाए, कमल प्रकट हो गए, कमल में ब्रह्मा हो जाए, भगवान संकल्प लेते हैं सृष्टि हो जाती है, आंखें खोलते हैं सृष्टि हो जाती है, आंखें पलकें झपकाते हैं प्रलय हो जाता है। भगवान जो करते हैं आनंद के, इसलिए उस असीम परमात्मा का ध्यान करो जो आनंद का सागर है। तुम सुख ढूंढ रहे हो पत्नी में, तुम सुख ढूंढ रहे हो बेटा बेटी में, तुम सुख ढूंढ रहे हो पैसा कौड़ी में, अरे सुख क्यों चाहते हो, क्यों ना उस आनंद के सागर से जुड़कर आनंद से आनंदित हुआ जाए। वो परमात्मा आनंद के सागर है। भगवान कौन है आनंद के, जो आनंद सिंधु सागर है। इसलिए आपने देखा होगा साधु संत पेड़ की छांव में भी इतने आनंदित होते हैं कि आप बंगलों में भी इतने खुश नहीं होते, क्योंकि उनका संबंध भगवान से है। अरे जो भगवान से संबंधित हो गया, जो भगवान का हो गया, अरे वो सागर से जुड़ गया आनंद के, उसके जीवन में थोड़ी कोई कष्ट है। आप तब तक दुखी हैं जब तक आप जुड़े नहीं, उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं। जुड़ जाइए तो आपके इस तरफ भी आनंद सप्लाई होने लग जाएगा। अभी आनंद कट है, पावर आ ही नहीं रहा है, इसलिए आप रो रहे हैं महाराज जी हमारी पत्नी ऐसी, हमारा पति ऐसा, हमारा परिवार ऐसा। कोई कैसा हो, अपने तो गिरधर गोपाल तो मस्त है ना, भगवान तो अच्छे हैं। लोग कितने बिगड़े कितने बने हमें क्या करना, भगवान अच्छे होने चाहिए। हमारा रिश्ता पत्नी से मजबूत होना हो, बाप से माँ से परिवार से मजबूत होना हो, भगवान से मजबूत होना चाहिए। क्या कहते हैं आप मैया, क्या बोलती तू, भैया क्या बोलते हो, किससे हमारा पक्का होना चाहिए रिश्ता,
सुनो, पत्नी बहुत खुश होती है आपसे, तो पत्नी बहुत सुख खुश होकर आपको क्या दे सकती है? पति आपसे बहुत खुश हुआ तो आपको क्या दे सकता है? बाप बहुत खुश हुआ आपसे तो आपको क्या दे सकता है? यदि आपका पिता आपसे बहुत खुश हुआ तो शायद पूरी संपत्ति आपको दे दे। पत्नी बहुत खुश हुई आपसे तो शायद आपको शरीर का सुख दे दे। पत्नी पति बहुत खुश हुआ आपसे तो वो भी आपको धन दौलत और शारीरिक सुख दे सकता है। इससे ज्यादा इन लोगों के पास देने के लिए क्या है? इनके पास तो है ही नहीं इससे आगे। लेकिन भगवान यदि आपसे खुश हो गए तो भगवान सागर हैं साहब, क्या नहीं दे सकते? बताओ क्या चाहिए? ध्रुव जी को अपना लोक दे दिया, ध्रुव लोक। युगों युगों के बाद भी आज ध्रुव तारा बनकर ध्रुव जी चमक रहे हैं। तुम्हारी पत्नी पति परिवार क्या देगा तुम्हें? क्यों नहीं भगवान से रिश्ता जोड़ते? घाटे में हो साहब। हम तो मरने के पहले अपने भगवान से दोस्ती कर लेंगे। नेताजी से आपकी बढ़िया दोस्ती है तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो संसार का जब नेता आपको कुछ ना कुछ दे सकता है, लाभ पहुंचा सकता है आपको, तो फिर भगवान से जुड़ जाओगी तो भगवान कितना लाभ पहुंचाएंगे? विडंबना तो ये है कि आपको किसी नेता पर तो भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है। इसलिए मीराबाई बोली, अब मेरे तो गिरधर गोपाल, हमें दूसरे की जरूरत। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप लोग काम नहीं करेंगे। काम करो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना है, लेकिन संसार से उम्मीद नहीं करना। क्या नहीं करना? उम्मीद, अपेक्षाएं ना हो, ना तो परिवार की उपेक्षा हो ना परिवार से अपेक्षा हो। उपेक्षा करेंगे तो भी बात बिगड़ जाएगी, अपेक्षा करेंगे तो भी, ना उपेक्षा हो ना अपेक्षा हो, केवल संसार में रहो, बाकी जुड़े रहो भगवान से। भगवान से कनेक्ट रहोगे ना तो आनंद बना रहेगा। अच्छा ये बताओ, आप अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्जर पॉइंट लगा के, और फिर वो चार्जर लगा रहता है, चार्ज होता रहता है, चार्ज होता रहेगा तो चलता रहेगा, है ना? चार्जर नहीं हुआ, चार्ज पावर से नहीं जुड़ा, पावर से जुड़ा है तो काम करता रहेगा हर चीज। इसलिए कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सब चीजें पावर से जोड़ के रखनी पड़ती है। तो आप लोग भी मैन पावर कौन है बताओ? अच्छा आपकी पत्नी मैन पावर है कि पति के बाप की मां की संसार? मैन पावर भगवान। इसलिए मोबाइल कहीं भी हो पर टाइम टू टाइम जाके पावर से जुड़ता रहे। यदि नहीं जुड़ेगा तो वो डब्बा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ इसलिए साहब आप भी समय समय पर अपने आप को पावर हाउस से भगवान से जोड़ के रखिएगा, ताकि सब चीजें प्राप्त होती रहें। आनंद क्या प्राप्त होगा? भगवान क्या देते हैं? भगवान कभी किसी को दुख देते हैं क्या? हाँ। अच्छा ये बताओ फिर ये लोग क्यों कहते हैं भगवान ने हमें बड़ा दुख दिया, बड़ा दुख दीना? ये लोग क्यों कहते हैं कि भगवान ने बहुत दुख दिया? अच्छा बता, भगवान किसी को दुख देते हैं? आप बताओ दुख कौन देता है? पीछे वाले भैया बताएंगे। भगवान किसी को दुख देते हैं? पीछे आप बताओ कौन दुख देता है? कौन देता है? हमारे अपने बुरे कर्म हमें दुख देते हैं। और हम दोष किसे देते हैं? राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम।
भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं। हर व्यक्ति अपने दुख का जिम्मेदार खुद है, लेकिन अज्ञान इतना है कि वो दोषी भगवान को बनाता कि भगवान ने दुख दिया, भगवान ने। इसलिए हम तो गोद में बैठे भगवान की। मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। ओ मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, उस बांसुरी वाले की, ओ इस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। ओ मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। हाँ मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है भजनों में खो जाऊं। जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मतलब रुख ना छोड़े यहाँ नित नित नई कहानी, मतलब रुख ना छोड़े यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ो कान्हा, किस किस को छोड़ो कान्हा, किस किस को अपना मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। हाँ मेरा जी करता है भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। हाँ मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं।
सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, बस बहम ही है ये मन के, बस बहम ही है ये मन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, कैसे मैं सुलझाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, हाँ मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो गया, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, हाँ मेरा जी करता है शाम के भजनों में। कभी ना टूटे चाहे सारा जग रूठे, ये तार कभी ना टूटे, बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, तेरा मैं हो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है बांसुरी वाले की, बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं, करता है सुख दुख पहलू जीवन के, बस वहम ही है ये मन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी, कैसे मैं सुलझाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, भजनों में खो जाओ यही आनंद है, भगवान में खो जाओ यही आनंद है, वरना संसार में सिवाय दुख के, सिवाय कष्ट के कुछ नहीं है। तेरा साथ है ठंडी छांव, बाकी दुनिया धूप है, भगवान का साथ तो ठंडी छांव है और दुनिया। श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और पूरी सृष्टि को उन्होंने तैयार किया,
भगवान ब्रह्मा जी ने सबको प्रकट किया। शिव के पिता कौन है? शंकर जी के पिता। भागवत के अनुसार ब्रह्मा भगवान नारायण से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से शिव प्रकट हुए, ये भागवत महापुराण के अनुसार। तो शिव जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि की, रोका गया। ब्रह्मा जी ने बहुत सारी सृष्टि की, बहुत कुछ बनाया, कीट पतंग सब कुछ बनाया, लेकिन जब अंत में भगवान ने, अच्छा 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया योनि क्या है, कौन है सबसे अच्छा, कौन? भालू? क्या भालू कह रहे हो? भालू, मनुष्य। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा कौन है? क्या अच्छाई है मनुष्य में? मनुष्य के पास सही और गलत की बुद्धि है। मनुष्य ही ये जानता है कि ये सही है और ये, वरना पशु कभी नहीं जानता कि ये सही है और ये। मनुष्य के पास एक चीज है जो पशु पक्षियों के पास नहीं है, बताओ क्या? ये मैया बताएंगी हमारी, बताओ वो क्या है जो मनुष्य के पास है पर पशु पक्षी 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं है, वो क्या है? क्या? बुद्धि। अरे भैया, बुद्धि ना होती तो गाय अपने बछड़े को जन्म देती, चाटती क्यों? क्यों उसके लिए तुमसे लड़ जाती? तुम जरा जाओ गाय के बछड़े को छेड़ो, मारेगी? बुद्धि है उसके पास तब ना वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है। गाय के पास जाके आप मांस परोस दो, वो नहीं खाएगी। उसके पास बुद्धि है कि ये मेरे खाने योग्य? वो तो आदमी है जो सब खाए जा रहा है। आज का इंसान पशुओं से बहुत अच्छा नहीं है, पशुओं से भी निकृष्ट हो रहा है। भैंस मछली नहीं खाती, मुर्गा नहीं खा सकती, मांस नहीं खा सकती, बकरी वो शुद्ध, वो जो उसका आहार है वो घास फूस खाती, हरा चारा खाती है। वो जानवर होकर वो गलत नहीं अपनाती, लेकिन आप इंसान, तुम्हारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग बने, लेकिन वो छोड़ के तुम मछली खा रहे हो। मतलब आज का इंसान पशुओं से भी बदतर हो रहा है साहब। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बताओ वो कौन सी चीज है जो इंसान के पास है और पशुओं के पास 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं है? क्या? विवेक। ठीक है, आपकी बात ठीक है, विवेक। बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर नहीं है। बुद्धि कच्ची और मैच्योर पका हुआ विवेक कहलाता है। इसमें बुद्धि और विवेक में बहुत अंतर नहीं है। मैंने इसके अंदर कई बार बताया भी आप लोगों को, बहुत अंतर नहीं है। इसलिए ये उत्तर आपका कुछ परसेंट मान्य हो सकता है, 100% मान्य नहीं होगा। हम इसे पूरा नकार नहीं रहे हैं पर पूरा स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। एक चीज है जो मनुष्यों के पास है, लेकिन मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, लेकिन वो सारे मनुष्यों के पास वो भी नहीं है, क्योंकि जो पशुवत आचरण करेंगे उन्हें पशु कहा जाएगा, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो जिनके लक्षण पशुओं से मैच करें वो चीज उन मनुष्यों में भी नहीं है। लेकिन फिर भी एक चीज मनुष्यों में है, वो आप बता पाओ तो बताओ। क्या? क्या? हाँ, क्या? क्या? हाँ, ये बहन बता रही है इस तरफ। 84 लाख योनियों में जो नहीं है वो मनुष्य में है, इसलिए ईश्वर की सबसे 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ रचना है मनुष्य। मनुष्य के पास जो है वो किसी योनि में नहीं, और वो वस्तु है मनुष्य के पास धर्म है।
क्या है मनुष्य के पास? धर्म। धर्म क्या है? धर्म देखो, पशुओं के पास धर्म नहीं है। जैसे आप जिस स्त्री से पैदा होते हो उसे क्या कहते हो? माँ। लेकिन पशु जिस माँ से पैदा होते हैं वही बड़े होकर उस माँ के साथ संबंध बना लेते हैं। जैसे कुत्ता है, बिल्ली, ये सब क्या करते हैं? बिल्ली का बच्चा उसी का दूध पीता है अपनी माँ का, और वही बिल्ला जब बिलार बन जाता है बड़ा, तो फिर वो उसी बिल्ली के साथ वो फिर बच्चे पैदा करने लग जाता है उसी बिल्ली के साथ। हाँ या ना? यही बकरों में है, बकरी में है, मतलब हर जीव में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। हाँ या ना? समझ में आ रही है? इसलिए वो पशु हैं, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि ये तुम्हारी माँ है तो माँ से व्यवहार कैसा करना है, माँ के साथ आचरण कैसा करना है। वो पशु हैं, उनके पास क्या नहीं है? जोर से, धर्म नहीं है। बंदर, जिस बंदरिया से बंदर पैदा होता है बड़ा होके जवान होके उसी बंदरिया के साथ वो रमण करता है। हाँ या ना? क्योंकि वो पशु है और मनुष्य के अंदर धर्म है। मनुष्य को पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। हमारे यहां बाप बेटी क्या है ये जानते हैं, माँ बेटा क्या है ये जानते हैं, भाई बहन क्या है ये जानते हैं। इसलिए आज के इंसान का धर्म मर रहा है। आपके अंदर का यदि धर्म मर गया तो आप इंसान रहे कहां? बहुत सारी जगह ये भी सुनने में आता है कि एक बाप बेटी, एक क्या क्या नहीं सुनने में आता जमाने में कि लोग क्या क्या नहीं करते, हर रिश्ते को तार तार कर देते हैं। ये भी आपने सुना होगा अखबारों में, टीवियों पर। क्या है ये? ये पशुवत व्यवहार है या नहीं? बोलो हाँ या ना? पशुवत व्यवहार, ये आचरण किसका हो सकता है? पशु का। अब आजकल का इंसान 6 महीने की बेटी के साथ, 1 साल की बेटी के साथ, 5 साल की बेटी के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं क्या आप लोगों ने नहीं सुनी? क्या है ये? ये आचरण तो पशुओं का भी नहीं है। गाय का छोटा बच्चा हो, छोटी बछिया हो और जवान नंदी हो तो वो छोटी बछिया को प्रताड़ित नहीं करता कभी। वो जानता है कि ये अभी मेरे योग्य नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर ये बुद्धि भी, ये धर्म भी नहीं रहा। छोटी छोटी बेटियों के साथ समाज में कितना दुर्व्यवहार हो रहा है और इसके गवाह आप सब हैं। आए दिन आप घटनाएं सुनते हैं। तो आज का इंसान पशुओं से बदतर है, हो रहा है या नहीं? कुछ लोग कुछ, हाँ या ना? क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान का धर्म मर रहा है, और जब धर्म मरता है उसी धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान फिर अवतार हो लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं बार बार कि जमाना झूठ बोले बोले, जमाना गलत करे करे, आप ना करना, आप अपने धर्म पर अडिग रहना। हम ही यदि अपना धर्म छोड़ देंगे तो फिर हम जिंदा होके भी क्या पालेंगे? अरे हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की कीमत नहीं है, हमारे भीतर जो धर्म है वो धर्म हमारी कीमत बढ़ाता है। आपके अंदर का धर्म मर गया तो आपकी सुंदर चमड़ी हो, आप बहुत सुंदर हैं साहब, लेकिन आपके भीतर धर्म नहीं है तो आपकी सुंदर चमड़ी का हम क्या करेंगे और जमाना क्या करेगा? जमाना मीरा की सुंदर चमड़ी को थोड़ी पूजता है, जमाना तो मीरा के अंदर धर्म को पूजता है। धर्म है, कृष्ण को प्रेम किया उन्होंने।
झांसी की रानी जब जंगलों में घिर गई अंग्रेजों से, घोड़े को गोली लग गई, तो झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने एक संत जी को देखा कि जंगल में भजन कर रहे हैं। घास की कुटिया थी, बाबा जी को बाहर किया, पूरी घास की झोपड़ी अपने ऊपर घास डाल दी, झांसी की रानी ने आग लगा दी, कुटिया की घास अपने ऊपर डालकर जलने लगी। संत ने कहा, बेटी क्यों जल रही है जिंदा? झांसी की रानी बोली, धर्म के लिए जिंदा जल रही हूं। बोले, ये क्या धर्म हुआ तेरा? बोले, मैं अंग्रेजों से घिर चुकी हूं, यदि मैं उन्हें जिंदा मिल गई तो वो मेरे शरीर को नोच नोच खा जाएंगे, और मैं भारत की पतिव्रता नारी हूं, मैं मर जाऊंगी पर मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। हमारे देश की स्त्रियां जौहर कर लेती थी, जौहर काहे के लिए करती थी? पति मर गया था तो उन खिलजी जैसों के पास आ जाती ना, मर गई पद्मावती, जौहर कर लिया, लेकिन अपने बदन पर किसी गैर मर्द का स्पर्श नहीं होने दिया। ये धर्म है। क्या है ये? झांसी की रानी मर गई, लेकिन उन्हें पता था कि मैं जिंदा हाथ लगूंगी तो ये मेरा शोषण करेंगे, और भारत की लड़की, भारत में पतिव्रता स्त्री होती, मर जाएगी पर अपने पति के सिवा पर पुरुष का स्पर्श ना करे। ये धर्म है। ये धर्म भारत में है, दुनिया में कहीं हो तो ढूंढ के ले आओ। इसलिए हम इंसान पैसे से धनी नहीं है साहब, भारत धन से धनी नहीं, भारत तो धर्म से धनी है। पूरी दुनिया में आज आपको धर्म कहीं मिलेगा तो सिर्फ भारत में। अब आप कहो कि क्या अमेरिका, लंदन, जापान में धर्म नहीं है? तो बताओ फिर, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप ही बताना कि क्या धर्म है। अमेरिका जैसे देशों में, विकसित देशों में लड़की 18 साल की होती है तो चली जाती है, वहां का कल्चर है ये, इस लड़के के साथ रुकती है, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसके साथ, फिर उसका एक बच्चा होता है, तो वो लड़की ये कंफर्म नहीं कर पाती कि इस लड़के का बाप कौन है। इसलिए अमेरिका में मां का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। हाँ या ना? सरकारी दस्तावेज में वहां मां का नाम, क्योंकि मां कंफर्म है, पर बाप कंफर्म, हाँ वहां बाप कंफर्म नहीं है। इसलिए तो डार्विन ने कह दिया कि बंदर की संतान है, तुम्हारा बाप कंफर्म नहीं है तो तुम यही कहोगे? हमारे तो, हम ऋषियों की संतान है तो हम कैसे कहें, हम तो ऋषियों की संतान, हमारे यहां तो मां भी कंफर्म है, और हाँ हम लोग तो एक बाप की औलाद है। अब अमेरिका जैसे विकसित देशों में ये बात आप लोगों ने सुनी कि नहीं, ये बात सही है या गलत है? वहां लड़की 18 साल की हुई, घर से निकल गई, किसी भी लड़के के संग रहे, कोई स्वतंत्रता है वहां, कोई रोक नहीं सकता, और वो किसी भी लड़के के संग दो दिन इसके साथ, दो महीना इसके साथ, चार महीना उसके साथ, उसके मरने के पहले तक वहां तो 10-10 बॉयफ्रेंड और 10 गर्लफ्रेंड होती है, वहां शादी करते ही नहीं कोई, वहां शादी नहीं होती, वहां तो एक आदमी मरा तो दूसरा बुढ़िया, 80 साल की बुढ़िया का बुढ़ा मर जाए तो वो भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती 80 साल का। सही बोल रहा हूं, वहां का है ये सिस्टम है। आपको हंसी आ रही है और हंस रही हो कि है भी, पर ये भारत में नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग भारत में भी ऐसी कर रहे हैं, लिविन में रहना, ये वही तो है ना, वही कल्चर तो आ गया अमेरिका वाला। अब बताओ कि धर्म क्या? एक स्त्री भारत की है जो अपने पति के साथ जीती मरती है, दूसरा पुरुष नहीं, और एक वो है जिनके बच्चे का बाप कौन है वो कंफर्म नहीं बता सकती। अब बताओ क्या धर्म क्या है? ये धर्म है जो एक पति के साथ है, क्या वो धर्म है जो अनेक पुरुषों के साथ है? क्या धर्म है? जोर से
हाँ, इसलिए पूरी दुनिया में आज धर्म कहीं है तो सिर्फ भारत में, वरना 99% लोग पशुओं का व्यवहार कर रहे हैं। ये पशुवत व्यवहार है पश्चिमी सभ्यता, जो आजकल बच्चे उस कल्चर को उतारने के लिए, फॉलो करने के लिए भागे जा रहे हैं। ये पशुवत आचरण है हमारे देश में, कुत्ता बिल्ली लिविन में रहते हैं। हाँ या ना? अब तुम्हारी औलाद लिविन में रह रही है, ये तो हमारे यहाँ के कुत्ता बिल्ली ऐसे ही रहे हैं। आज इसके संग, आज उसके संग, आज उस कुत्ते के संग घूम रही है, कल उस कुत्ते के संग आपको मिल जाएंगे यहाँ। ये व्यवहार हमारा नहीं है, हमारा तो पतिव्रता नारी होती है। हमारे यहाँ की नारी के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए और बोले कि हम भिक्षा तो तब लेंगे जब तुम अपना कपड़ा उतार दोगी, तो माता अनुसुईया ने कहा अच्छा कपड़े उतारूंगी तो मेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा, पर मैं भिक्षा नहीं दूंगी तो मेरा अतिथि सत्कार भी भंग हो जाएगा, क्योंकि भारत में गृहस्थ अतिथि देवो भव की भावना रखता है, द्वार पे आया कोई भूखा ना जाए। और तीन ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए, माता अनुसुईया से बोले कि तुम अपने सारे कपड़े उतारो, निर्वस्त्र हो जाओ, फिर हमें भिक्षा देना। तो मैया चक्कर में पड़ गई कि यदि भिक्षा देती हूं तो पराए गैर मर्द के सामने निर्वस्त्र होकर स्त्री आ जाए तो स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट हो जाएगा, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और नहीं देती तो गृहस्थ धर्म नष्ट होगा कि भाई द्वार पे आए अतिथि को आपने दिया नहीं। तब माता अनुसुईया लोटा में जल, पति की तपस्या वाला जल लाई, माता अत्रि महर्षि ऋषि अत्रि का जल हाथ में जल लिया और बोला हे विधाता, यदि मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के सिवा स्वप्न में पराए पुरुष का चिंतन नहीं करती, तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश पर माता अनुसुईया पतिव्रता नारी का जादू चल गया, तीनों बच्चे बन गए, गोद में बिठाया, दूध पिलाया, लो पियो दूध। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना और झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। सुना है ये कथा की नहीं? ये धर्म है। ये क्या है? ये धर्म है। ये नहीं कि तुम्हारे बाप का पता नहीं है, वो हम कैसे मान लें तुम्हारे को धर्म। इसलिए अमेरिका की तुलना, लंदन जापान की तुलना भारत से करना गलत है। पैसे से कोई कितना भी बड़ा हो साहब, तो पैसे से तो वैश्याएं भी धन्ना सेठ हो जाती हैं। तो क्या वैश्या के पास धन तो है, क्या धर्म है? और हमारे देश में धन वाला बड़ा नहीं होता, धर्म वाला बड़ा होता है। रावण धन से बड़ा था तो राम धर्म से बड़े थे, इसलिए धन वाले रावण के पुतले जलाए जाते हैं और धर्म वाले राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए धर्म बड़ा है मेरी माँ। समझाओ अपने बच्चों को कि ये दो क्लास भले कम पढ़ें पर धर्म का पाठ जरूर पढ़ें। मर जाए, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, धर्म नहीं छोड़ूंगा मेरी माँ। हाँ, तुम मुझे 100 करोड़ दो या 1,00,000 करोड़ दो, धर्म नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आजकल हमारे कुछ हिंदू भाई क्रिश्चियन लोग कुछ पैसा दे करके और हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। अरे तुम 1,000, 5,000, 10,000 में बिक गए, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। मर जाना सही है पर अपने धर्म का परित्याग करना सही नहीं है। मर जाएंगे और क्या होगा? क्या हमारे देश के राजा महाराजा साधु संत क्या गुलामी के दौरान मरे नहीं? मुगलों ने तलवार रख के कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, मर गए। कहा तो था गुरु गोविंद सिंह जी के, गुरु गोविंद देव जी के बच्चों को कि तुम धर्म बदल लो, दीवार में चुना दिया दोनों बच्चों को, मर गए दो बच्चे, दीवार में जिंदा चुनवा दिया मुगलों ने, मर गए। तलवार की नोक रखी गर्दन पर, मार दूंगा धर्म बदल लो, बच्चे थे छोटे छोटे, बोले मर जाएंगे, चुनवा दो दीवार में, चुनवा दिया दुष्टों ने, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। ये संस्कृति है, ये भारत है, ये धर्म है। मैं सत्य बोलना क्यों छोड़ू? मैं दया करना क्यों छोड़ू?
हमारे भारत का इतिहास रहा है दया धर्म सत्य। इसलिए मेरी माँ, बेटों को डॉक्टर इंजीनियर पायलट सब बनाना, पर पहले धर्मात्मा बनाना। क्या बनाना? बेटा क्या हो? डॉक्टर हो पर धर्मात्मा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो धर्मात्मा इंजीनियर हो, एडवोकेट हो धर्मात्मा एडवोकेट हो। धर्म जुड़ना चाहिए उसके। लोग क्या कहते हैं? वो आदमी बहुत धर्मात्मा है, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ। और आप धर्म से नहीं जुड़े तो फिर आपका होना ना होना क्या मतलब है? इसलिए 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास, जोर से, हाँ, धर्म ना जाने देना साहब, था भरा सोना खचा खचलंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? इसलिए भारत की स्त्रियां, तुम्हारा पति जैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, तुम्हारा पति भगवान है। अपने पति को छोड़ना ये धर्म नहीं है। ये जो हमारे देश में आज तलाक हो रहे हैं ना, ये धर्म नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता है कि इसको छोड़ा तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा छोड़ा तो तीसरा जिंदाबाद, ये यहां नहीं है। हमारे यहां तो धर्म ये कहता है कि पत्नी पति के साथ है, पुरुष को भी अपनी पत्नी, यदि पत्नी आपकी नहीं है और आपके बच्चे हो गए हैं तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और अब विवाह इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, मन भगवान में लगाओ। विवाह करके भी तुम करोगे क्या? भोग ही तो भोगना है तुम्हें, तुम लुगाई लाना काहे को चाहते हो भोगों के लिए? तुम्हारा मन अभी एक से नहीं भरा? अरे इन मन का तुम बुढ़े हो जाओगे तो भी तुम्हारा मन भर जाएगा, इसकी गारंटी है क्या? इसलिए मन को प्रभु में लगाओ, भोगों से मन हटाओ, भगवान में लगाओ मन। ना पुरुष दूसरा विवाह करे, ना स्त्री दूसरा विवाह करे, ना स्त्री दूसरे पुरुष के चक्कर में पड़े, ना पुरुष दूसरे स्त्री के। ये धर्म है हमारे यहां। अब आजकल तो गवर्नमेंट, आजकल तो हाई कोर्ट ने बोला कि लड़के लड़के भी शादी कर सकते हैं। कल हमसे एक न्यूज रिपोर्टर भैया पूछने लग गए कि महाराज जी आप क्या कहेंगे इसमें, समलैंगिकता का कानून आया है। हमने कहा कि इतने सारे मुद्दे हैं देश में, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, इन मुद्दों पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। कानून बने तो इन मुद्दों पर बने, इस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रही है भ्रष्टाचार पर, लेकिन वो समलैंगिकता का कानून बनाए डाल रही है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी भाई साहब, बताओ। लड़के लड़कों का विवाह किस युग में सुना था आपने? ये कलयुग है, लड़के लड़के विवाह कर रहे हैं। लड़की लड़की विवाह कर रही है। सोच लो, जरा एक विचार कर लो कि भारत के सारे मर्द मर्दों से विवाह कर लें और सारी स्त्रियां स्त्रियों से विवाह कर लें, तब तो पूरी दुनिया का वंटाधार हो जाएगा। फिर कौन सी व्यवस्था बनेगी? कहां बच्चे पैदा होंगे? क्यों जी, हो जाएंगे? अरे भैया, ईश्वर के बनाए विधान को काहे तुम उंगली लगाए जा रहे हो? जो बना बनाया उसी को फॉलो करो, जबरदस्ती। अच्छा ये बताओ, आज का आदमी भोगी हो गया, स्त्रियों तक तो ठीक था कि स्त्री पुरुष साथ में पति पत्नी बनकर रहें और शारीरिक सुख, सांसारिक सुख लें, लेकिन अब आदमी इससे और बढ़ के स्त्रियां स्त्रियों के साथ, पुरुष पुरुष के साथ, ये क्या है? ये भोग की वृत्ति ही तो है, ये भी तो एक भोग ही है ना। क्यों ये हो रहा है? आदमी जितना मन इन भोगों में लगा रहा है, इतना मन भजन में लगाता तो कल्याण हो जाता साहब। कौन समझाए, कैसे समझाए? क्यों आदमी इतना भोगी बनता जा रहा है कि अब स्त्रियां छोड़ पुरुष पुरुष के पीछे भागेगा?
इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं शादी करो, पत्नी के साथ भी हम लोगों का रहने का सिस्टम है, पर भोगी बनकर नहीं योगी बनकर के रहो। हमारे भगवान श्री कृष्ण, कितनी पत्नियां हैं भगवान की? 16,000, लेकिन 16,108 स्त्रियों में भी कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण का नाम क्या है? योगी। क्या नाम है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान को गीता में क्या बोला है? योगी। क्या है भगवान? योगी। क्यों योगी हैं? इतनी सारी पत्नियां हैं तो चाणक्य गए तो थे धनानंद के पास, सिकंदर आ गया, चल धनानंद खड़ा हो, चल पूरे देश को संगठित करते हैं। उस समय धनानंद क्या कर रहा था? स्त्रियों के संग नाच ही तो रहा था जब चाणक्य गए थे। क्या कर रहा था? इन स्त्रियों के संग नाचने वाला धनानंद, चाणक्य ने कहा कि अखंड भारत हो जाएगा तो ये जो मुगल आए हैं, सिकंदर आया है, घुस ना पाएगा, वरना बहुत हानि पहुंचाएगा भारत को। धनानंद जाग जा, जगाया तो उसने उल्टे चाणक्य को गालियां दी, चाणक्य की चोटी पकड़ के बाहर करा दिया, अपमानित किया। चाणक्य ने कहा अच्छा, तेरे जैसा भोगी मुझ जैसे योगी को अपमानित करता है। याद रखना साहब, इतिहास धनानंद ने नहीं लिखा, क्योंकि धनानंद भोगी था, इतिहास तो योगी चाणक्य ने लिखा है। लिख लो डायरी में, अपनी काम आएगा। भोगी कभी इतिहास नहीं लिखते, इतिहास जब जब लिखा है किसी योगी ने लिखा है। चाहे वो गृहस्थ योगी हो, चाहे वो विरक्त योगी हो। इसलिए अपने बच्चों को भोगी ना बनाना, योगी बनाना। क्या बनाना? योगी। हम भारतीय हैं, भोगी नहीं योगी बनते हैं। पत्नी के साथ रहो, पर पत्नी के साथ भी संयम से रहो। किससे रहो? जोर से मेरे संग बोलो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़ें। बोलो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। आजाद मत कर दो अपने मन को, आजाद करोगे। रावण आजाद था, किसी का डर नहीं, ना गुरु का, ना बाप का, ना मां का, ना धर्म का, ना पड़ोसी का, ना प्रजा का, कोई डर नहीं रावण को। तो रावण ने अधर्म किया। इसलिए मेरी मां, डर होना चाहिए। हां या ना? किसका डर? धर्म का, कि कोई देख रहा है, कि कोई देख रहा है। आज नहीं तो कल तुम्हारा किया सामने आएगा। रावण को कोई डर नहीं था, सर्वनाश हो गया। पराई औरत के चक्कर में पड़ा रावण, और यदि तुम भी किसी महिला के चक्कर में हो तो छोड़ देना, वरना रावण जैसों का नाश हो गया, तुम किस खेत की मूली हो। ये इतिहास केवल सुनने पढ़ने के लिए नहीं, उतारने के लिए है जीवन में। ये रामायण, ये भगवद गीता, ये महाभारत में जो घटना इतिहास में घटी, उनसे सीखो। बताओ, इस संसार में सबसे मूर्ख कौन है? आप सबसे प्रश्न। इस संसार में सबसे मूर्ख कौन है? उत्तर दो भैया। ओ दादाजी, ओ भैया पंचायती, सबसे मूर्ख कौन है संसार में? आपका पड़ोसी? हाँ, आप बताओ भैया, सबसे मूर्ख कौन है? हाँ हाँ, लाल कुर्ता। आप मूर्ख हो? नहीं, आप नहीं हो।
इस संसार में सबसे मूर्ख कौन है? तो सुनो, लिखना ये सारी परिभाषा, मेरी एक एक बात, एक एक बात, एक एक सौ सौ करोड़ की बात है, सौ सौ करोड़ की बातें हैं, काम आएंगी उतार लेंगे। मेरी कोई भी बात करोड़ों से कम की नहीं है, एक एक बात करोड़ की है। इस संसार में सबसे मूर्ख कौन है, प्रश्न है, उत्तर सुनो। इस संसार में सबसे मूर्ख वो है जो इतिहास की घटनाओं से कुछ नहीं सीखता, जो इतिहास की घटनाओं से, जिसने रामायण से कुछ ना सीखा हो, जिसने रावण से कुछ ना सीखा हो। अरे रावण भी सिखा रहा है कि पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, नहीं देखो अपने का क्या हुआ, सिखा रहा कि नहीं रावण? बोलो हां। जो रावण से ना सीखे, जो राम से ना सीखे, जो कंस, शिशुपाल, दुर्योधन और कृष्ण से ना सीखे, जो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी और झांसी की रानी से ना सीखे, जो इतिहास से कुछ ना सीखे, वो मूर्ख है। जो चाणक्य से कुछ ना सीखे, जो चंद्रगुप्त से कुछ ना सीखे, मूर्ख है। जो झांसी की रानी से कुछ ना सीख पाई, जो माता अनुसुईया से कुछ ना सीख पाई, वो मूर्ख है। बताओ ये बात सही है या गलत है? कितने रुपए की बात है ये? जोर से, करोड़पति हो गए कि नहीं? हाँ, हमारी प्रत्येक बात आपको करोड़पति बनाएगी। सुनाया करो अपने बच्चों को हमारी बातें। पैसा देकर तुम टिकट लेकर पिक्चर देखने जाते हो, 250 रुपए की टिकट, 500 रुपए की टिकट, और वहां से अश्लीलता सीख कर आते हो, और कथा सुनने आओगे तो जो आज तक ना सीख पाए वो 7 दिन में सीख जाओगे। इसलिए कथा सुना करो मेरी माँ, अपने बेटा छोरा छोरियों को बोला करो, बेटा व्हाट्सएप में आई लव यू ना खेलो, कथा सुना करो। कथा सुनेंगे तो सीखेंगे। मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो, चैनल खुल के आएगा। आपके लिए एक बढ़िया बात बता दूं, पूरी दुनिया का आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है YouTube पर अनिरुद्धाचार्य परिवार, जिसमें 1,36,00,000 लोग जुड़े हैं। आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, YouTube पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, और अनिरुद्धाचार्य के नाम से फेसबुक पर भी पेज को फॉलो करना, ताकि आपको कथाएं, अच्छी बातें सुनने को मिलती रहें। आपके बच्चे सुनेंगे तो विश्वास है कोई ना कोई बात क्लिक कर जाएगी, और बच्चों के जीवन को बदलने के लिए मेरी एक बात बहुत है। एक भी बात समझ में आ गई तो काम बन जाएगा। जैसे आग की एक चिंगारी सारे जंगल को जलाने के लिए पर्याप्त है, ऐसे अनिरुद्धाचार्य की एक बात समाज को सुधारने के लिए पर्याप्त है। एक बात बहुत है सुधार के लिए। प्रिय भक्तों, भगवान सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग होते हैं, मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी से दो लोग प्रकट होते, मनु और कौन मैया? सपरूपा। हाँ, मैया कह रहे सपरूपा। मनु और शत मतलब 100, रूपा मतलब रूप वाली, जो अपने पति के लिए 100 रूप वाली हो वही शत्रुपा। स्त्री को कैसे होना चाहिए? स्त्री को अपने पति के लिए बहुत रूप वाली होनी चाहिए, बढ़िया पति के लिए बढ़िया श्रृंगार करती है, बढ़िया श्रृंगार करे पति के लिए, पति के लिए बढ़िया श्रृंगार करे,
सौ रूप वाली मतलब सौ प्रकार से सजना सवरना पति के लिए। लेकिन आजकल की कुछ स्त्रियां पति के लिए कहां सजती हैं, बाजार जाती तो लिपस्टिक लगा के। और जाती लगा के और एक रख के भी ले जाती है कि वहां छूट गई तो वहीं लगा लेंगे। और खरीद रही है, भाई साहब ये आलू कैसे दिए, ये पालक कैसी दी, और ये सब्जी भाजी लिपस्टिक लगा के खरीदने की क्या जरूरत है। है ना मैया, अभी सबके बैग चेक किए जाए तो आधे से ज्यादा मैयाओं के बैग में रखी होगी लिपस्टिक महारानी। उसके बिना तो मैया एक कदम नहीं चलती आजकल, हाँ या ना। फिर गजब तो तब हो जाता जब हम कथा सुनाते रहते और एक बहन वहां निकाल के लिपस्टिक अपना। चालू रहती है वो, उसे लगता है हम देख नहीं रहे। मनु शत्रुपा ये ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इनके पांच संतानें हुई, तीन बेटियां और दो बेटियां ज्यादा होनी चाहिए, बेटे कम। ये पहली सृष्टि में बेटियां ज्यादा थी। और आपसे कोई सवाल करे कि स्त्री पहले आई संसार में या पुरुष, तो क्या सही उत्तर है? हाँ, पहले स्त्री का जन्म हुआ। अब कोई सवाल कर दे कि उस पहली स्त्री का नाम बताओ जो इस संसार में पहली आई, क्या नाम था उस पहली स्त्री का? आकूति। आ बोलो आकूति। दूसरी देवहूति। तीसरा प्रसूति। तीनों में ती, आकूति देवहूति और ये सृष्टि क्रम की पहली स्त्रियां हैं जो मनु शत्रुपा से तीन बेटियां आई। इसके बाद दो बेटे आए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इस संसार में पहली स्त्री आई, बाद में पुरुष आया, इसलिए स्त्री बड़ी है। पुरुष, हाँ, इसलिए हर मर्द को हर पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री बड़ी है। देखो स्त्रियों का इतना सम्मान केवल भारत में है, हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, हाँ या ना। हमारे यहाँ स्त्रियों की क्या होती है? पूजा होती है। कन्या के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में पूजा होती है। तो आकूति देवहूति, आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहां यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि, पहले के लोग अपनी बेटियों का विवाह ऋषि महर्षि तपस्वी लोगों से करते थे। आजकल के बाप अपनी बेटियों का विवाह सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए बस, भले वो काला कलूटा हो चलेगा, भले वो कैसा हो नौकरी। बेटी का विवाह किससे हो, काला गोरा तो ठीक है, ये तो हमने विनोद में कहा, लेकिन विवाह वहां होना चाहिए जहां योग्य लड़की हो और योग्य लड़का हो। जैसी लड़की हो लगभग वैसा लड़का हो, जैसा लड़का हो लगभग वैसी लड़की हो। जो पिता अपनी बेटी का विवाह, देखो
जब आपका पति, जब आप लड़का लड़की जब मंच में खड़े हो, पति पत्नी, तो उनकी जोड़ी ऐसी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए कि मानो साक्षात सीताराम खड़े हैं, लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। अपोजिट ना हो कि लड़की बहुत सुंदर है और लड़का, या लड़का बहुत सुंदर है लड़की, 19-20 चलता है। यदि आपने बिल्कुल अपोजिट किया है तो लड़की के बाप को पाप लगता है कि तुमने ऐसी जोड़ी क्यों। बात तो आप कहेंगे कि भगवान के घर से बनकर आती है, फिर भी माँ बाप तो निमित्त होते हैं ना। इसलिए जोड़ी अच्छी हो, लड़की सुंदर है तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए, अच्छा हो, उसके साथ खड़ा हो तो ठीक ठीक जोड़ी लगना चाहिए। वरना लड़की बेचारी माँ बाप के आज्ञा को स्वीकार तो कर लेती है। अब तुम ना लड़कियों के लिए बहुत सारे लड़के ऐसे ढूंढ के लाए के शादी के बाद उन कुछ और ही थे, तो वह लड़कियों ने सोचा कि माँ बाप तो हमारे लिए गलत गलत ढूंढ रहे हैं, फिर वो अपने से खुद ढूंढने लग गई। इसलिए आप मैया छोरी के लिए बढ़िया लड़का ढूंढना, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा तो बाद में कहेगी ना कि मेरे माँ बाप ने, कह ना पाए, अंदर तो आवाज आएगी ना कि गलत किया देखो। इसलिए पानी पियो छान के और ब्याह करो जान के। पानी पियो और ब्याह करो, हाँ। करदम जी महाराज का विवाह माता देवहूति से जब हुआ तो वो समाधि में चले गए। देखो आदमी पुरुष कितने तपस्वी होते थे पहले, तपस्वी। विवाह हुआ, 40 साल की समाधि, पति प्रसन्न हो गए, देवी फिर भी पत्नी सेवा करती रही। तब करदम जी ने माता देवहूति से कहा, कुछ चाह लो, के कुछ इच्छा है? बोले पुत्र की कामना है, पुत्र की कामना है। ठीक है, एक विमान की रचना की, बिंदु सरोवर में स्नान कराया, दोनों सुंदर जवान, देखो दोनों बूढ़े हो गए पर तपस्या के प्रभाव से सुंदर जवान हो गए। कामक विमान में बैठे और करदम जी की 9 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ। जो 9 बेटियां थी वो माता अनुसुईया, हविर्भू, गति, श्रद्धा, कला, ऐसी 9 बेटियां, अरुंधति, ये उनकी बेटियां। एक बेटा साक्षात भगवान नारायण कपिल देव जी के रूप में प्रकट भए। बोलिए कपिल देव भगवान की। 12 भगवान प्रकट हुए तो पृथ्वी की स्थापना की ब्रह्मा जी से, और मनु शत्रुपा ने इस तरह सृष्टि की। करदम जी का विवाह देव की माता देवहूति से हुआ, 9 बेटियां हुई। करदम जी बोले अब मुझे देवी आज्ञा दो, विवाह मेरा हो गया तो मैंने बेटियों को जन्म दिया, बेटों को जन्म दिया, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। एक पुरुष की जिम्मेदारी कब तक की है? बेटी का विवाह हो जाए, बेटे का विवाह हो जाए, फिर दोनों से मन को हटाकर भगवान में मन लगाना चाहिए, यही धर्म है। ये क्या है? जोर से, धर्म है। भगवान में मन लगाना क्या है? धर्म है। इसलिए करदम जी ने सब छोड़ा। आप भी गृहस्थी आपकी पूरी, आप में से कितने लोगों की गृहस्थी पूरी हो गई? जिनकी बेटी का विवाह पूरा, जिनकी बेटी का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, समझ लो आपकी गृहस्थी पूरी हो गई। अब आपका जो समय बचा है वो आप अपने पति पत्नी दोनों भगवत चिंतन में मन को लगाओ, संसार से मन को हटाओ, अपना कल्याण करो, यही समझदारी है। अब आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय धाम में गुजारो, पैसा जो कमाए हो सारा का सारा बच्चों को मत दे देना, बच्चों को योग बनाओ, बेटा अपना कमाओ खाओ, और जो आपने कमाया है वो अपने हाथ से मरने के पहले दान पुण्य करो, अच्छे काम करो, क्योंकि आपके संग क्या जाएगा? धर्म जाएगा।
जो अच्छा किया वो जाएगा, जो बुरा किया वो जाएगा, अच्छा सुख देगा बुरा दुख देगा। मरने के पहले कुछ काम कर लो, मरने के पहले गौदान कर लेना, क्योंकि वैतरणी नाम के नरक में चले गए तो गाय दान करोगे तो ही पार लगोगे, वरना वैतरणी में गोते लगाते रह जाओगे। वैतरणी एक नरक होता है, जो हर गुनाहगार उस नरक में क्या होती है, मावाद की नदियां होती है। मावाद फोड़ा हो जाता है ना तो मावाद भर जाती है, वो मावाद की नदियां हैं, उनमें डुबाया जाता है। आप में से कितने लोगों ने नरक को देखा है? आपने देखा? आपके पड़ोस में ही है क्या भाई, आपने नरक देखा है? आपसे पूछ रहे हैं, आपने नरक नहीं देखा? आप में से कितने लोगों ने नरक को नहीं देखा? मैं डेमो दिखा सकता हूं, दिखाऊं? चले जाना सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के जर्नल वार्ड में चले जाना, कोई कराह रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई चीख रहा है, ये नरक की यातना इस रूप में देखने को मिल तो रही है। सरकारी हॉस्पिटल के जर्नल वार्ड में जाके देखो, कोरोना काल में आपने देखा था लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय हाय मचा है चारों ओर, सांस लेने के लिए लोग तड़प रहे हैं, भैया एक सांस के लिए जरा सिलेंडर मिल जाए। क्या था वो मंजर? नरक का ही तो डेमो था। नरक में सिर्फ कष्ट है। ये नरक क्या है? हॉस्पिटल भी एक नरक है। बिस्तर में ही आदमी मलमूत्र करता है, जो बीमार है महीनों से बिस्तर में पड़ा उससे पूछो कि नरक क्या, वो जान गया कि नरक क्या है। महीने भर से जो आदमी बिस्तर में पड़ा है, मैं भी 2 महीने लगभग बिस्तर में रहा, जब मैं छत से गिरा था कोल्हू टूट गया था, मैं भी लगभग 2 महीने रहा नरक में, मींस हॉस्पिटल में पड़े पड़े, उसी जगह पर पड़े पड़े मलमूत्र करना है, उसी जगह पे खाना है, ना अपने से उठ पाए ना अपने से बैठ पाए, कोई पानी पिला दिया तो पी लिया, कोई खिलाए तो खाओ, नहीं तो पड़े हो। ये नरक है या नहीं? डेमो है। कर्म बिगड़ते हैं तो यही कुछ मिल जाता है, मैंने भी कोई पाप किया था तो मुझे भी मिला, लेकिन मिल करके फिर ईश्वर ने शरण में ली, अब गलतियां नहीं करनी, अब हर गुनाह से बचना है, हर पाप से बचना है। क्योंकि आपको लगता जरूर है कि हमें कौन देख रहा है, ना साहब लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, ऐसे रौरव महारौरव सब नरक, ऐसे एक वैतरणी नरक होता है, उस नरक से गौ माता पार लगाती है, गाय, इसलिए गाय की सेवा किया करो, गौदान किया करो, इसलिए गौदान पूंछ पकड़कर होता है कि गाय की पूंछ। मैं भी बचपन में जब गैया चराता था और बारिश में जब बाढ़ आती थी नदियों में, तो गैया ना नदी को पार करती थी तो हम भी पूंछ पकड़ लेते थे तो हम भी पार हो जाते थे बिना मेहनत किए। ये बात मेरी प्रैक्टिकली, मैंने खूब गांव का जीवन जिया है और गाय खूब चराई है। बाढ़ आती थी नदियों में बारिश में, गांव की जो नदियां होती है ना बहुत भर जाती हैं, और गैया को चरने उस तरफ जाना होता है तो गैया जब जाए तो पूंछ पकड़ लो आप भी पार। जैसे ये नदी पार कर गए, ऐसी वैतरणी भी पार कर जाएंगे, जो गाय की सेवा करता है, जो गौदान करता है। इसलिए आप भी गौदान किया करो, मरने के पहले गौदान करो, मरने के पहले भागवत सुनो, भागवत सुन लो। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, अभी 12 अप्रैल से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, आप भी पिठा लेना अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, आप भी इसी बहाने धाम में आ जाओगे, भागवत से जुड़ जाओगे। आप लोग भी कुछ ये पुण्य का कार्य करते रहा करो। साथी, यहां गौरी गोपाल आश्रम में भागवत जी के पाठ अभी भी हो रहे हैं, 161 परिवारों ने बिठा रखा है। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपने सोचा ये कार्य किया अपने लिए। जीवन में कुछ अच्छा कर जाओ,
आपको संतोष होना चाहिए कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। बेटों को कितना भी पैसा दे दो उनका पेट नहीं भरना, पर किसी भूखे को चार रोटी दे दोगे तो उसका चार रोटी से पेट भर जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? बेटे को आप 4 करोड़ दे दो तो वो 5वें करोड़ की उम्मीद लगाएगा। संसार के लोगों का पेट नहीं भरता, इसलिए कुछ बेटों को दो, उनको टैलेंट दो, बेटा कमाओ, आप अपनी कमाई को समाज की सेवा से जोड़ कर जाओ कि मेरे धन को मैं धर्म से जोड़ना चाहता हूं। कमाई का 5% सदा परोपकार के लिए निकाला करो। 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए अलग निकाल के रख दो कि ये हम गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं चल रही हैं उन सेवाओं के लिए। गौरी गोपाल आश्रम में 1000 संत भोजन कर रहे हैं, ये सेवा है या नहीं? गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा नहीं जाता, ये बात सही है या गलत है? अब बताओ ये सेवा बड़ी है? यदि सेवा बड़ी है तो बताओ इस बड़ी सेवा में आप कितने लोग खड़े हैं साथ में। आप भी इन संतों के लिए अन्नदान करें। बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए तो आप भी इन सेवाओं से जोड़ो, आप अपने हाथ से बांटो, आपको तसल्ली मिलेगी, अच्छा लगेगा। 1000 संत भोजन करेंगे। इन संतों के लिए एक संत निवास बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। एक संत जी ने मेरे से कहा, महाराज हमारे रहने की व्यवस्था नहीं है, आप माताओं की किए हो तो हमारी भी करो। वो संतों को भी उम्मीद अनिरुद्धाचार्य से है, तो संतों ने कहा, तो दास ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। ठीक है, हम कहेंगे भक्तों से कि भैया आपने वृद्धमाओं के लिए सहयोग किया है, तो अब एक संत निवास के लिए आप थोड़ी सी 1-2 गज भूमि का दान करके भूमि का सहयोग करें, फिर जल्दी से संत निवास बनेगा और संत लोग रहेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में संत निवास संतों के लिए। वृद्ध माताएं तो हैं पर कुछ पिता भी प्रताड़ित हैं अपने बच्चों से, तो वृद्ध पिताओं के लिए भी गौरी गोपाल आश्रम बनने जा रहा है आपके सहयोग और आशीर्वाद से। तो आप भी 1-2 गज भूमि संत निवास के लिए सहयोग कर सकते हैं, यदि आपको ईश्वर ने भूमि देने के योग्य बनाया है तो। भूमि दान से सदा भूमि की कृपा माँ पृथ्वी माता की कृपा बनी रहेगी। साची गौरी गोपाल आश्रम में रसोई चलती आप भक्तों के लिए, आप कोई आओ कभी भी आओ, सबके लिए द्वार खुले हैं। आप भी इस रसोई सेवा से अपने आप को जोड़ें और आप भी इन सेवाओं से जोड़कर अपने धन को पवित्र करें। एक दिन की रसोई आप भी बंटवाओ कि आज हमारी ओर से सभी भक्तों को भोजन मिलेगा, सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, जुड़िएगा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं, कितनी माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में? 275 माताएं हैं। आप खुद अपनी आंखों से देखिए आकर। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया इन माओं का, हाथ उठा के बताओ। आप लोग एक काम करना, यहां वाले आश्रम में भी इस वाली सीढ़ी से चढ़ के जाना तो यहां भी आपको माताओं का दर्शन होगा। यदि नहीं किया, सामने वाले आश्रम में माताओं का दर्शन किस किसने किया है और यहां वाली माताओं का दर्शन किस किसने किया है? यहां नहीं किया तो ये जो बगल की सीढ़ी है, ये वाली इस तरफ, ये सीढ़ी से चढ़ना अभी आरती के बाद, तो यहां माताओं का दर्शन करते हुए ऊपर से निकल जाना, यहां भी माताएं रहती हैं। और 1000 माताएं रह सकें इसके लिए ये बड़ा वाला आश्रम तैयार हो रहा है। आप भी इन वृद्ध माओं को जिनके बेटे साथ, देखो अभी बेटा आया ना, बोला कि मैं नहीं अभी ले जा सकता, ऐसी माएं बेसहारा माएं यहां हैं। अब सोचिए कि मां पर क्या गुजर रही होगी जब बेटा मना कर दे अपने साथ ले जाने से, कह भले ना पाए वो मां पर पीड़ा तो हुई कि नहीं। इसलिए आप इन बेसहारा माओं का सहारा बनो और इन माओं के लिए जो आश्रम बन रहा है आप भी अपनी ओर से एक ईंट, एक सीमेंट की बोरी, एक छोटा सा योगदान आप भी पहुंचाओ और आश्रम के निर्माण में थोड़ा ही सही सहयोगी बनो। 10 बोरी 5 बोरी सीमेंट ईंट
सरिया, कुछ भी आप जो माताओं के लिए आप जो चाहें दे सकते हैं। इन माओ के लिए आप एक कमरा बनवा कर दे दें, एक कमरे की छत डलवाएं, एक माँ को गोद, इन माओ को आप भोजन दें कि आज मेरी ओर से 275 माओ को भोजन, आज मेरी ओर से नाश्ता, आज मेरी ओर से सारा दूध माओ को बटेगा, मेरी ओर से दवाइयां, एक दिन की दवाई, एक दिन का दूध, एक दिन की नाश्ता, भोजन की व्यवस्था, एक एक दिन का भी आप कर लेंगे 365 भक्त मिलकर के तो साल गुजर जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा सहयोग करना है सबको, इन माओ को आपको गोद लेना है, किसी एक बेसहारा माँ का सहारा बनना। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को धर्म से जोड़ा, यहाँ बंदरों की सेवा होती है, आप बंदरों के लिए केला चना की सेवा दे सकते हैं। आइए, कुछ भक्तों ने अपने सहयोग पहुंचाए हैं, नाम सुनते हैं, पुनः आगे की चर्चा में प्रवेश करेंगे। नाम सुनेंगे दानवीर महापुरुषों का, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप जैसे दानवीर महापुरुषों की झोलियां भरी रहें। श्री राधे, बड़ी सुंदर पावन कथा सद्गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के लिए, इतनी प्यारी सुंदर कथा सुनाने के लिए और सेवाओं से जुड़ने का अवसर दिलाने के लिए। आइए, मैं निवेदन करूंगा कि आप भी इन सेवाओं के अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाएं, जिन सेवाओं से जुड़ने के लिए आप और हम सभी लोग सीधा प्रदावन से जुड़े हैं, ललायत हैं इन पावन सेवाओं के दर्शन करने के लिए आज सीधा प्रदावन में आए हैं। आइए, नाम सुनेंगे दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने आज भी अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाए, इन पावन सेवाओं को तो आगे बढ़ाया ही है, पुण्य और आशीर्वाद भी कमाया है, ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम सुनेंगे। आज की श्रेणी में आदरणीय शिव प्रसाद जी लोहार अब कटनी मध्य प्रदेश से 31,000 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां से प्रसाद जी के लिए, कटनी मध्य प्रदेश से आप जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में तो वे किरण जी मल्होत्रा आप भीलवाड़ा राजस्थान से 32,000 रुपए आप सभी सेवाओं के दे रहे हैं। श्री विजयनाथ जी प्रसाद जी पटवा सुमित्रा देवी जी 30,000 रुपए आप सभी सेवाओं के, पूर्वी देवांशी देवांगन आप 31,000 रुपए, दशलाल जी अग्रणी जबलपुर से 21,000 रुपए देते हुए एक माह का आजीवन सहारा बने हैं। इसी श्रेणी में जयंती लाल जी पी पटेल आप गुजरात से, बड़ोदरा से 25,000 रुपए, मांगी सितौले खरगोन से आप 21,000 रुपए देते हुए एक माह का आजीवन सहारा बने हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। केसर देवी उत्तम नगर दिल्ली से आप 21,000 रुपए, अभय कुमार सिंह जी दिल्ली से आप 25,000 रुपए, विमला देवी रामकिशन अग्रवाल जी आप 25,000 रुपए, अनुप्राम निवास जी मंत्रा से 11,000 रुपए, अर्चना झा झांसी से आप 11,000 रुपए, कमलेश जी फरदाबाद से आप 11,000 रुपए, गोपाल कृष्ण शर्मा जी हनुमानगढ़ राजस्थान से 11,000 रुपए, राजेंद्र प्रसाद जी सांकला, पनवारी लाल जी सांकला आप सीकर राजस्थान से 11,000 रुपए का योगदान दे रहे हैं, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम सिंह जी आप कांकेर से, छत्तीसगढ़ से 5,100 रुपए, विक्रमजीत सिंह यात्री आप गुरदासपुर पंजाब से 5,100 रुपए, स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद जी सोनी की के नाम से, सोमवती सोनी के नाम से जबलपुर से 5,100 रुपए आप दे रहे हैं, हीरा लाल जी जैन मुंबई से 5,100 रुपए आप दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ा दो, इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है, जिन सेवाओं के दर्शन आज आप लोग कर रहे हैं, यहां आकर के अथवा घर बैठे आप लोग घर बैठे ही इन पावन सेवाओं के दर्शन करते हुए अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, मैं निवेदन करूंगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन यहां बैठे हैं, अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, जो लोग घर बैठे हैं वो लोग जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए निवेदन रहेगा, जो लोग यहां हैं उनके लिए काउंटर यहीं लगा, जो लोग घर बैठे हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड देखा जाता ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। आइए चलेंगे शेष पावन कथा की ओर, उससे पहले एक विशेष सूचना, लगातार भागवत जी के पोथी पाठ सीधा वृंदावन में बैठ रहे हैं, एक बार पुनः ये अवसर आपको प्राप्त होगा कि आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों के कल्याण की मुक्ति के लिए भागवत जी का सुंदर सा पाठ बिठा सकते हैं। 12 से 18 अप्रैल भागवत जी के पाठ एक बार पुनः बैठ रहे हैं, तो जिन्हें भागवत जी का संपूर्ण पोथी पाठ बिठाना है, पोथी पाठ यजमान बनना है, शीघ्र सेवा संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जो लोग यहाँ है वो काउंटर से जाकर के अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए चलेंगे शेष पावन कथा की ओर, आगे के कार्यक्रम की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। श्री करदम जी महाराज जब चले गए भगवत चिंतन करने के लिए, तब माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश किया, सांख्य उपदेश, और माता देवहूति उनके दिव्य ज्ञान से सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई, कपिल देव जी आचमन किए और सीधा गंगा सागर चले गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। करदम जी कपिल भगवान के गंगा सागर जाने के बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ,
जिनकी सबसे छोटी बेटी हुई माता सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक दिन दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए माता सती गई, पति का अपमान देखा और जलकर भस्म हो गई। क्यों अपमान हुआ माँ सती शिव जी का, वो चर्चा हम आपको कल विस्तार से कहेंगे। पार्वती बनकर के दक्ष के यज्ञ में जब भस्म हुई तो शंकर जी ने दक्ष का सिर काटा, शंकर जी के गण ने, और दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। बाद में बकरे का सिर लगाकर उस यज्ञ को पूरा किया गया। पार्वती के रूप में माता भगवती प्रकट हुई और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। आनंद से भगवान कैलाश में विराजे हैं माता पार्वती के संग। आगे की कथा कल। आप लोग अपना मोबाइल पर्स सोना चांदी बहुत संभाल के रखिएगा। इस भीड़ में बहुत सारे चोर, आपका बैग आपका झोला ओला भी संभालिएगा। कुछ लोग झोला ही उठा के चोर लोग भाग जाते हैं, तो कृपया अपना कीमती आभूषण कीमती सामान संभालिएगा। और जब भी भीड़ आपको दिखे वहां अपने बच्चों का अपने सामान कीमती सामान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आइए आगे की चर्चा कल जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे। एक बार भाव से झूमते हैं फिर आरती का आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। हो भोले दी बरात चल गज गज के, हो सारे अनभग बीते रज रज के। तेरी आरती
तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। दर्द की दवा मेरे पास है, दर्द की दवा मेरे पास है। जिंदगी दया की कभी मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। तेरे नाम कर दी अर्पण, अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा गुण गान करे छेड़ बीणा तान करे भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगवान तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासवानी रूप तेरी गाए आरती, तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती।
सचंद्र चंद्र पूर्व सत्य सनातन धर्म की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधेश। जिनको भी मिलना है यहां आ जाइए, एक एक से आप मिल लीजिए। जिनको भी मिलना है यहां आके एक एक से आप मिल लीजिएगा। यहां मिलने के बाद भी मन हो मिलने का तो अंदर गौरी गोपाल मंदिर में भी मिलेंगे। सुनने वाले 7 बजे प्रश्नोत्तरी होगी, 7 बजे। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा।